प्रभु तो पाई है जेरी गल पॉलस ने प्रभु तो पाई है ते पाई कितों वचन दे विचो मैं ता ए गल प्रभु तो पाई है अते तुहानू सौंप दित्ती है आमेन उने वचन चकिया अते वचन रख दिता आमेन वचन लोका विच क्रांतिया दी कलीसिया दे अंदर जिनू ब्रदर ब्रानम कहंदे क्रांतिया दी कलीसिया ही पवित्री कारण है जे पवित्री कारण दा प्रचार कीता गया ता क्रांतिया दी कलीसिया विच कीता गया जे कलीसिया पवित्री कारण विच पाई जांदी है ता ओ क्रांतिया दी कलीसिया नू देख के ही पवित्र हुंदी है आमेन जद नबी ने इन्हें हवाले बोल दिते कि क्रांतिया विच जदों प्रचारिया गया है क्रांतिया ही पवित्री कारण है क्रांतिया दे विच पवित्री कारण दा प्रचार हो रहा है ते क्रांतिया दे विच एक होर विशा रखिया पालस ने जेड़ा के पवित्र आत्मा दे द्वारा पाया आमेन तां पालस की कहता है कहता मैं ये गल कित्थों पाई है कित्थों पाई है प्रभु तो पाई है अते तुहानू सौंप दित्ती ते साडे युग दे नबी ने भी इस प्रभु तो पा के इस संदेश नूं सानू सौंप दित्ता की ये संदेश सानू भी चाहिदा है ये संदेश सानू भी चाहिदा है मैं तुहाडे नाल इदां ही गल्लां करदा जावांगा क्योंकि मैं लगातार कुछ ऐसियां चीजां खुदा जो मैनूं दे रहा है रखदा जावांगा मैं अपने वल्लों कुछ नहीं तैयार करके लियावांगा आमेन एक दबाव जरूर रखना पूरे चर्च ने कि खुदाबंद मेनू इस अभिषेक च बनाई रखे कि इन लिखता नू खोल सकीए और मैं तुहाडे तक भी ये लिखता पहुंचा सका तद पौलुस कहना मैं ता ए गल प्रभु तो पाई है प्रभु तो पाई सी ते तुहानू मतलब उन्हें बहुत वड्डा खुलासा जो पवित्र आत्मा ने कीता दे द्वारा लेके लेविया की किताब चो उन्हें पर्दा का ध्यान किया आमेन पतीली रोटी के त्याग का ध्यान किया और जो पतीली रोटी का पर्व उन्हें देखा उन्हें क्या पतीली रोटी के पर्व के पसा का लेला भी कटिया जाता से पसा का पर्व भी होता से तद उन्हें पसा के पर्व में जो देखा तद उन्हें बहुत लंबा छोड़ा रेवलेशन जो यीशु मसीह ने भी किया और यीशु मसीह ने भी इस वचन के मुताबिक ही किया और फिर वह पतरस उन्होंने करदिया नहीं भला ना देखता सी पर लेकिन उन्हें प्रभु तो पाया लिखता विचों वचन विचों एक गल ने लोकां दे विचकार रखी जिथे के पवित्री कारण है आमेन तद उन्हें एक वचन दा रूप प्याले नूं दित्ता एक रोटी नू वचन दे रूप विच लेके आंदा जो कि यूहन्ना भी कहंदा है यूहन्ना दी अंजील विच जद यूहन्ना लिखदा है यीशु मसीह ने कहा ए रोटी तोड़ी जद उन्हें कहा मेरी देह है की है मेरी की है देह है ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ और मैं किसी भी ऐसे विवाद नूं लेके मैं प्रभु भोज विच शामिल नहीं होवांगा पर मैं इन्हां दिनां विच हर एक चीज नूं पासे कर दिता जो खुदा करदा है उन्हूं करन दे लेकिन साडा काम है प्रभु तो पाईए ते प्रभु दे लोकां नूं सौंप देईए अते जिहदे विच जिहनूं जीवन दी लोड़ है वह इस देह विच सांझी होवेगा वह इस प्याले विच सांझी होवेगा मान लो 10 साल 5 साल 6 साल 7 साल एक भाई भैन अपनी गलती नहीं छड़ता कहता मैं प्रभु भोज छड़ दूं मैं प्याला लेना छड़ दूं मैं उस दिन चर्च नहीं आऊं कई बार इदां दे दिमाग विच शैतान बीज बीजे हुंदे शैतान दे
मैं वो दिन चर्च नहीं आना क्योंकि मैं प्रभु भोज लैन दे लायक नहीं, मैं गलती नहीं छड़ी, इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं लै सकता, मैं इदा नहीं कर सकता। और इतना पता लगता है कि वो भाई या भैन प्रभु भोज छड़ता है पर अपनी गलती नहीं छड़ता। एक भाई भैन प्रभु भोज तो छड़ता है, रैप्चर तो बंद करता है, अपने रैप्चर नूं तो रिजाइन दिंदा है, अपनी गलती नूं क्यों नहीं रिजाइन दिंदा? जे ब्रदर रैप्चर कला टाइट प्ले करने नाल ही हुंदा है फिर तो सारे हो जूगा, फिर तो उन्हां दा भी हो जूगा जिहड़े प्यालियां नाल ले जा रहे हैं, फिर तो उन्हां दा डब रोटियां जिहा खाई आए फिर तो उन्हां दा भी रैप्चर हो जूगा है, फिर तो उन्हां दा भी उठाया जाना हो जूगा, फिर तो प्रभु दा वचन है ही नहीं है। गल समझ आ रही? एक भाई भैन अपनी गलती छड़न तो बड़ा दुख पहुंचता, बड़ी मुश्किल पहुंचती है, बड़ा उन्हों ए हुंदा कि जे मैं अपनी आदत तो बदल गया तो मैं हार जाना है। पर मैं तुहानू दसना चाहना जेड़ा अपनी गलती नू बरकरार रखता होया, जेड़ी गल पालस ने प्रभु तो पाई, साढ़े युग के नबी ने प्रचारी यीशु मसीह ने खुद किया, अते अपने रैप्चर नू रोकता है। कि उदा कोई उठाया जाना करवा देगा? कि कोई प्रचारक ओदे लई खड़ा हो जाएगा उथे कि मैनू टैच दिंदी रही, मैनू टाइट दिंदा रहा, मैनू खाने खवांदे रहे, मैनू कपड़े दिंदे रहे, कि इन्हां इन्हां चीजां दे नाल कि इन्हां चीजां दे नाल ओ प्रचारक उथे जाके खड़ जाएगा मूहरे? मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, ये पवित्र वचन कह रहा है, मैं यीशु के द्वारा बोलिया हुई लिखता। तो आते सामने रखांगा जिस विच यीशु मसीह ने कहा मैं उठावांगा जे कोई मेरा मांस खाएगा ता, जे कोई मेरा लहू पिएगा ता उठाऊंगा। समझ आ रही है? साल विच एक बारी नहीं, छिया महीनिया बाद गेड़ा कट के नहीं, कि तुहानू समझ आ रही है? मैं कुछ भाई सीगे मैनू कहते भाई जी तुसी प्रभु भोज की मीटिंग असी कीती, असी आए जो तुसी कीती सीगी कद रख रहे हैं? मैं क्या हजे नहीं, मैनू एक महीना होगा डेढ़ इस गल नू लेके बैठे हुए नू कि कोई गल नहीं हजे नहीं है, हजे नहीं है। उहदा कारण की है? कारण यह है कि नबी ने कहा कि प्रचारक जिहड़ा प्रभु भोज दिंदा है और वो वचन दे अनुसार देवे। आमें। और असि प्रभु भोज करते भी रहे हैं। आमें। असी करते भी रहांगे। आओ मैं चलदा यूहन्ना दी अंजील विच, मैं पढ़ांगा नाल नाल जिथे के अज हर एक भाई भैन अपनियां गलतियां नू उन्नति दिंदे आ ते अपने रैप्चर नू कट लैंदे आ, अपनियां अड़ियां दे लई अपने आप विच उत्तम कहांदे आ पर अपना रैप्चर कट लैंदे आ, अपने समय का सहारा लेंदे अपना रैप्चर कट लेंदे।
अपनिया सोचा चलते अपना रैप्चर कट लेंगे। जिस भाई तो अपनी एक गलती नहीं छड़ी गई सालों साल, वह भाई कहना मैनू गलती छड़नी बहुत औखी है, तो मैं उस भाई नू ये कह कि नरक की अग विच सड़ना भी इस तो बड़ा औखा हो जाएगा। गल समझ आ रही? हम नरक सड़न लिए अपनी गलती लैके कहते नबी दे कोल रख दिया, नबी तो नहीं गलतियां होंगे? हाँ होंदिया सी नबी तो गलतियां, नबी दियां गलतियां का नमूना देखा गया इन्हें। कदे कदे प्रचारक कहते पर कई बार भाजन मैं भी सुनया कि नबी तो गलतियां होंगे पर समझते नहीं, बस इनी गल सुन लेते कि हाँ नबी तो भी गलती होंगी सी, मतलब लोड़ वाली आयत आ गई। पर मैं की समझाया सी किसे नू कि नबी दी गलती ने नबी दे बच्चे मारते, उदी पत्नी मर गई, उदी लड़की मर गई, उदा प्यो मर गया हथा विच, उदा भरा मर गया हथा विच, समझा रही? और हाब दी माता ने गलती करवाई, उदी साली मर गई भाई ब्रानम दी, समझा रही? और तफान दा सामना करना पिया नू, समझ आ रहे? अज कहते भाई ब्रांड तो भी हो जाते हैं, भाई ब्रांड दी गलतियां देख लो तुहाडे बच्चों दे नूं बुखार चढ़ जाए ना, तुसीं चर्च छड्डण लई तैयार हो जाने हैं। अगर कोई कहे कि कोई गल नहीं भाई ब्रांड तो भी गलतियां, भाई ब्रांड तो जिहड़ियां गलतियां होंदियां सी उहदी सजा, सजा देखी किन्नी भैड़ी सीगी। कई बार हवाले पढ़ लेते भाई ब्रानम तो भी गलती हो गई सी, कोई गल नहीं फिर साढ़े तो जब भाई ब्रानम तो जी गलती हो गई है तो मतलब ये नहीं कि असं भी करिए। कई बार कहते चला गया वो चट छड़ के चला गया, उन्हें इन्ने पैसे कमा ले इन्ने पैसे कमा ले, मैं कहना मैं नहीं गलती करनी, मैं गलती क्यों करा, मैं क्यों अपना रैप्चर रोका के पिछे लग गए है, मैं उस जो भाई ने पैसे कमाए उसके परिवार ने पैसे कमाए, मैं देख रहा है कि उसके बच्चों का एक दिन जीवन नरक चला जाएगा, उसका जीवन एक दिन नरक चला जाएगा, मैं क्यों कचरे में फंसा। कई बार कचरा बीजने लिए एक ऐदा दे भी आउंदा विरोधी आउंदा है कि देखो इधर ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ देखिए कि खुदा का वचन की कहता है। तद मैं 6:45 आयत तो पढ़ना शुरू करदा हाँ, यूहन्ना दी इंजील दे आस्ते आस्ते असीं जावांगे वचन विच 6:45 आयत तो। नबियां दियां पोथियां विच इह लिखिया होया है, पर उह सभे प्रभु दे सिखाए होए होणगे। सारे लोग जेड़े है वो प्रभु दे सिखाए, मतलब जेड़े बंदे रैप्चर विच जाण वाले है तां यीशु मसीह कहिंदा नबियां दियां किताबां च लिखिया है कि सारे ही जेड़े आ वो प्रभु वल्लों। जी ਹਰੇਕ ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जिहड़ा प्रभु वल्लों आ ओही देख सकदा है, ओही इन्हां लिखतां नूं देख सकदा है।
ਅਮੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ जी उन तो पिता नु बिठा है उने पिता नु वेख्या है मैं तो अनुसार सा जागदा हां जो निश्चय करदा है जो निश्चय करदा है सदीपक जीवन उसी दा है सदीपक जीवन उसी दा है इथे यीशु मसीह एक गल कहंदा जिथे सारे अड़ के जांदे आ कहंदे ला प्रभु जिदा दा मर्जी होवे प्रभु दा धन्नवाद ही करना है निश्चय करनी है गल्ली है जो निश्चय करना उथे सदीपक जीवन पाए नीचा करने वाले को सदीपक जीवन है नीचा करने वाले को पर विषय केड़ा प्रचार रहा है कहते नीचा करता हो जिदे को सदीपक जीवन है ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਨੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਆਹ ਚ 5000 ਲਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 75 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ 75 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕਚਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਚਾਹੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਪਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਰੈਪਚਰਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਨੇਚਾ ਕਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਛਕਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਲਈ ਜੋ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
उसे दा है। हुण यीशु मसीह रोटी ते पहुंच गया, जिसनू पालस कहना मैं प्रभु तो पाया ते तुहानू सौंप दिता, मैं गल प्रभु तो पाई अते तुहानू सौंप दिती। तद यीशु मसीह नेचा करन दी गल करदा है, इत्थे कहना जो नेचा करदा है ते अनंत जीवन ओदा है, पर कहना की चाहता यीशु मसीह एक गल प्रचारन जा रहा से, किस गल दे नेचा करदा हो अनंत जीवन कल्ली नेचा दे नाल नहीं है, क्योंकि वचन दसदा है यकूब दी पत्री विच लिखिया कि भूतां भी नेचा करदियां है कि प्रभु इको है। कहना की निकम्या मनुखा तू ये नेचा करदा है कि प्रभु एक है, कहना यह तो भूतां भी कर रही है। ता मैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि भूतां दा उठाया जाना होगा कि भूतां दा ट्रैक्चर होगा, भूत एहो नेचा करते हैं प्रभु एक डरते कंबदे आ, पर फिर भी उन्हां दा रैप्चर नहीं है। गल समझ आ रही है? फिर रैप्चर किन्ना दा है? अगे वेखो हुण यीशु मसीह अगला हवाला की पढ़न लगा, बोलन लगा जी, जीवन दी रोटी मैं हां, जीवन दी रोटी मैं हां। पहली लाइन विच कहंदा जेड़ा नेचा करदा है अनंत जीवन, ते दूसरी लाइन च कहंदा है के जीवन दी रोटी, मतलब रोटी खाधी जांदी है ते जीवन बनदा है। इसलिए यकूब विच बार बार अब्राहम नूं कहिंदा नेचा नाल और अब्राहम अमला नाल धार्मिक ठहराया गया, नेचा ओदी अमला दे नाल गुणकार होई। तद यीशु मसीह अगले हवाले से पहुंचता है जीवन दी रोटी मैं हां, जीवन दी रोटी मैं हां जी। तोड़ियां प्यो दादियां ने, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਮਤਲਬ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਤੀਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਬੰਟਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਤੇਲ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੇ ਚਲੋ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਵੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਚਰਾ ਬੀਜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਨਾ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਚ ਵਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਮੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਐਸ਼,
कर लो राम अजे 20 साल जिंदगी है अजे 40 साल और गुजारने हैं करो राम अजे 40 साल विच 20 साल और राम करो 20 साल का नांगे 20 साल और राम करो ते जदों 20 साल रह गए उदों फिर रब दे बन जावांगे ऐदा दी समझ आना लोकां ऐदा दी समझ नाल रैप्चर होवेगा ऐदा दी समझ नाल उठाया जाना हो सकदा है की पता अज दी मीटिंग आखरी होवे की पता ये मीटिंग लास्ट होवे की पता कल का दिन असी धरती है या नहीं है लोग अके पे मिस्र विच निकल के आए निकम्मी रोटी तो असी आख गए इन्हू निकम्मी रोटी समझते हैं लोग उथे तां ही मरे जिन्हां ने इस रोटी नू निकम्मी रोटी आख्या वो काश तो उतरी रोटी जीजस क्राइस्ट कहना वो जिंदी रोटी है वो जीवन दी रोटी है वो जीवन देन वाली रोटी है उन्हें क्या जिंदी रोटी मैं हां ये लाइन द्वारा पढ़े हो जे कोई इस रोटियों को जो खावे ता मैं हर संडे नहीं तो जगाया करांगा सुत्ते ब्याह नु जगांदा नहीं रहूंगा हुण मैं हर संडे अपने कम्मा तो फ्री होया करो एक दिन पहला शनिवार अपना फ्री होया करो अपनी नींद पूरी मारिया करो रात नु दिने नींद मार लिया करो आमें और पता लगे तो संडे दे दिन जाके सभा करनी है हमें खुदा नाल संगति करनी है खुदा नाल राम करना है अपने काम घटाइए दिन रात तुसी अपने बच्चे लिए काम करते हैं अपने किस्तां भरने लिए पैसा कमाने अपने सब कुछ करने लिए सारा कुछ करते हैं अपने माल डंगर पालन लिए काम करते हैं और अपने बच्चे लिए घर बनाने लिए काम करते हैं तुहानू थकावट नहीं आउंदी लेकिन तुहानू अपना काम चर्च दे लई घटाउणा पैणा है जिन्हें चर्च विच बैठ के बढ़िया आनंद नाल वचन सुनना है और बढ़िया अखां विच अखां पा के खुदा दे संदेश नूं लेना है और पूरे रिलैक्स हो के ओनूं अपना काम छड्डना पऊगा जे पता लगदा कि मेरी नींद मैनूं मैसेज नहीं सुन दिंदे ते ओनूं नींद मारनी पऊगी ओह विश्वासी भाई की करदा रहिंदा है ओनूं पता नहीं मेरी नींद मैनूं वचन नहीं सुन दिंदी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨੀਂਦ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨੀਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ एक दिन भाई आज कहते भैया कोई कहता मैं भैया इसलिए नींद आती रहती है मैं नाइट ऑटो चलाता हूँ नाइट क्या चलाता हूँ नाइट ड्यूटी करता भैया छोड़िए अपनी ड्यूटी नाइट की ड्यूटी छोड़िए आप जाते हैं कि संडे आराम से मीटिंग सुननी है अनंत जीवन वाला वचन सुनना है तो भैया रात जेड़ी शनिवार की है इसमें नाइट ड्यूटी भी करते छोड़ दइए आपको मालूम होना चाहिए कि हम उस दिन को पूरा करने के लिए हर एक चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा अब नींद तुम्हें छोड़े ना क्या तुम्हारा रेपचर नहीं छूट जाएगा रेपचर छूट जाएगा सारी उम्र ऐसा करते रहेंगे अरे हमारे जीवन में काम नहीं होता अरे हमारे जीवन में ये नहीं होता अब मेरा तो विश्वास टूटने लगा मेरा तो मन करता मैं चर्च छोड़ दूं अरे तुमने अपना काम छोड़ना था खुदा के साथ बरार होने के लिए तुम्हें ये काम छोड़ना था काम छोड़कर आराम करने के लिए पहले रेस्ट होना था मोबाइल छोड़ो दिल नहीं करता मोबाइल छोड़ने को तारीख को फिर नींद नहीं छोड़ेगी सुबह फिर नींद नहीं छोड़ेगी फिर नींद संडे को कहोगे सो जा सोया गैरी आएगा सोया उसको पता मैंने रात को बहुत बीज भेजा इसके दिमाग में बहुत कचरा भेजा यही कचरा इसको दबाएगा यही कचरा रिपचर दबा लेगा यही कचरा सब कुछ करेगा कई बार बुजुर्ग माता कह दिया
चर्च में नींद क्यों आती है? इसलिए नींद आती है, सारा दिन सोचते रहते हो बच्चों की जिंदगी कैसे बनेंगे, बच्चों का काम कैसे बनेगा, अब मैं बच्चों से रोटी खानी है, ये कारण बच्चे रोटी नहीं देंगे, खुदा रोटी देगा। बच्चे रोटी देने वाले भी खुदा ही बनाएगा, नहीं तो कोई नहीं बन पाएगा। जितना मर्जी जोर कर लाओ, जितनी मर्जी मिलते करो, जितने मर्जी उसके लिए कारें कोठियां बनाए बढ़ाइए, लेकिन वो तुम्हें खाना देगा नहीं खाने के लिए, क्योंकि तुमने खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर खुदा के लिए कुछ किया होता, अपने जीवन के लिए कुछ किया होता, जीसस कैलवरी पे चढ़ा है उसकी कीमत का तुम्हें मालूम होता कि वो क्यों कैलवरी पे चढ़ा है, मुझे भी कोई छोड़ना चाहिए उसके लिए, तब खुदा तुम्हारे बच्चों को भी कहता जाके खाने वाला देवर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, अरे खुदा उसके मन में डालना। आप कितने आज्ञाकार है खुदा के, उतने ही बच्चे होंगे। ध्यान से सुनिए, अनंत जीवन जो रोटी खाता है जी, जिंदी रोटी मैं हां, जे कोई इस रोटी को कुछ खावे, जे इस रोटी तो कोई खावे ता वो सदा तीक जिंदा रहेगा, सदा तीक की रहेगा, जिंदा रहेगा सदा तीक। ए प्रभु को उस फॉर्मेंटी नहीं है, मुझे प्रचार करने का लोगों की तरफ देखना पड़ेगा, लोगों के पास टाइम नहीं होता, दिन में कर लेते हैं 10 बजे, नहीं नहीं, अनंत जीवन में जाना है, सदा जिंदे रहना है तो दुनिया से तो मरना ही पड़ेगा। जो चीजें किसी के जीवन में दुनिया की चलती है वचन के खिलाफ, उसमें जीवन नहीं है। बात समझ में आ रही? जीवन की बातें पौलुस ने पाई और कहता मैंने प्रभु से पाई ये बात और तुम्हें सौंप दी। क्या तुम आमीन कहते हैं इस वचन पर? क्या क्या तुम्हें समझ आ रही है कि ये लिखित प्रभु से आई है? आइए मेरे साथ एक और आयत पढ़िए जो कि तिमोथियस की किताब में लिखा है, पहला तिमोथियस, एक मिनट के लिए मुझे अपनी बाइबल खोलने दो, सॉरी दूसरा तिमोथियस, और उसकी 16 आयत, तीसरे की 16 आयत पढ़ने लगा मैं। सारी लिखित प्रभु ने आत्मा, सारी लिखित जिन्नी भी लिखित है, सारी लिखित प्रभु दे आत्मा तो है, शिक्षा देने वाली है, ये लिखित आई क्योंकि सानू शिक्षा देवे, सारी लिखित प्रभु दे आत्मा तो है। कि तुसी इस लिखित आमीन कहने के प्रभु दे आत्मा तो है? मैं तो इसे आमीन कहना के लिखित प्रभु दे आत्मा तो है, जिसने बोलिया है उसने भी इस लिखित नु प्रभु तो ही पाया है। सारी लिखता प्रभु दे आत्मा तो है, ये शिक्षा देने योग है। नबी ने संदेश 4 बोले थे प्रभु को, समझे? सतवजा नु बोलिया, बाट नु बोलिया, त्रेठ नु बोलिया, रखा के चौंटदा ही बोलिया होया, शैन चौंटदा जा पता नहीं अगे पिछे होगा, लेकिन बोले 4 नबी ने इतने। क्यों नबी ने संदेश प्रचारे अपने चर्च विच?
क्योंकि पौलुस ने भी अपने युग विच प्रचारे, यीशु मसीह ने अपने समय विच लिखतां प्रचारियां, व्यवस्था विच लिखतां दे नाल सी जीवन लोकां दा। आमेन। ते रैप्चर विच जाण वाले लोकां कोले कल्ला विश्वास नहीं सीगा, और उन्हां कोले कुछ कैदे कानून सी बाइबल दे, जेड़े उन्हां नूं उसे टाइम ते पूरे करने। मैनूं ना सलाह दे कोई इस वचन दे बाहर, ठीक है, मैं वचन दे मुताबिक चलांगा। कल नूं कोई उठ के सलाह ना देण लग जो आए कर लगे जी, आए कर लगे, जो वचन कहिंदा मैं वो दस रहा तुहानूं। सारी लिखत जिन्नी भी लिखत है, 66 किताबां, समझ आ रही है, 1180 संदेश सारे प्रभु दे आत्मा द्वारा लिखे गए ते प्रभु दे आत्मा द्वारा प्रचारे गए हैं। बाइबल दीआं 66 किताबां प्रभु दे आत्मा द्वारा लिखिया गईआं ते प्रभु दे आत्मा द्वारा प्रचारियां गईआं। हुण जेकर 66 किताबां भी रद्द कर दित्तीआं ते 1180 संदेश भी रद्द हो गए ते रैप्चर कित्थे होवेगा फिर? सारी लिखत प्रभु दे आत्मा तो है, सिख्या ताड़ना, सिख्या दे नाल नाल ए ताड़ना भी लेके आंदी है। आमेन। पौलुस की कहता, आइए मैं एक होर आयत पढ़दा, पहला तिमोथियस 4:2 आयत पढ़िए। झूठ बोलने वाले दे कपट तो होवेगा, जिन्हां दा अपना ही अते करन सारी लिखत प्रभु दे आत्मा तो है। पौलुस तिमोथियुस नूं लिखदा सारी लिखत प्रभु दे आत्मा तो है। मैं उससे तुम्हें पढ़ लगा, सिख्या देने वाली है, ताड़न, एदे ते ताड़ना आएगी, ए ताड़ना दिंदी है। सारी लिखत प्रभु दे आत्मा तो है, सिख्या देन दे जोग है, ते एहे लिखत ताड़ना भी दिंदी है। जो तुम बोलिया जाता ना कि जाते वाला कुड़ियां ना छड़ियां तो रैप्चर रुक जाएगा, तो लिखत ताड़ना दे रही है। जे कल कोई कहेगा मैं तो नहीं छड़नी, रैप्चर रुक जू, रुक जे। जे कोई कहे कहे मैं नींद नहीं छड़नी, मेरा रैप्चर रुक जू, रुक जे, वो अपना ही अपना मामला है, रैप्चर च जाना है या नहीं जाना। एक भाई कहना मैं गोलियां का पत्ता तो नहीं छड़ सकता, चल मैं प्रभु को छड़ देना, केड़ा रास्ता है, मैनू प्रूफ करो केड़ा रास्ता है नंगल दे ले। प्रूफ करो केड़ी बैंक लेके जाएगी तुहानू, प्रूफ करो केड़ा जहाज लेके जाएगा रैप्चर च, प्रूफ करो केड़ा राजा लेके जाएगा। वचन दे लई एक नरक दी अग विच जान दे लई लोग अपनी एक गलती नहीं छड़दे, कहंदे मेरे प्राण निकलदे आ जे मैं गोलियां खाणो हट गया तां नशे वालियां, जे मैं नशा खाणो हट गया मेरे प्राण निकल जाऊंगा, मर जाऊं, मैं कहूंगा वो सदा लई मरूगा, इत्थे भी मरूगा अग्गे भी मरूगा।
रैप्चर बंद होएगा। मैं पंजाबी कहना चाहूं केड़ी मां दी गूगल दी जाके छुपेगा कि ओदे दोस्त दी बैंक खोली होए उन्हें बचा लेगी कि ओदे बच्चा ने धागा बैंक में चला जा बचा लेगी जिन्होंने दिन भर रात भर मेहनत करके उन्होंने जिंदगी बनाते वो अपनी जिंदगी भी नरक सिटी बच्चा की जिंदगी भी नरक सिटी कि ऐसे व्यक्ति नो जीजस गले लगाएगा। मैं आमीन कर कहूंगा इस लिखते में कहूंगा आमीन ये लेख तो सुधार दी है ये लेख तो ताड़ना दिंदी है हमें ये लेख तो सिखिया दिंदी है आते ताड़न दे जोग है हमें जी सुधारन अते ए लेख तो शिक्षा लेन देन दे जोग है आते ताड़ना कर दी है आते सुधार दी है जेड़ा ऐसे लेख नु लेके सुधर गया और रैप्चर ते जाएगा। कोई है मेरे नाल? कोई है मेरे नाल? माफ करना उन्होंने लगे रहन दो जे तुसी कहोगे ना असि चर्च आने आ वो बंदा टाइट पा दंदा है पाटर चुप करके बैठा होया है रहने दो जो काम बन के जीना चाहुंदा उन्हों काम बन के जीन दो समझे जो काम बन के उठना चाहता मैं उस व्यक्ति नाल रहना पसंद करांगा जेड़ा उका बन के उपरलिया उडारियां ते जाएगा। मैं उस व्यक्ति नाल रहना नहीं पसंद करांगा जो आप भी एक भलत मौले भलत की तरह बह जाता है ते दूसरे नु भी बिठा देता है। मान लो कि इथे बाइबल पढ़ी जा रहा मैं इथे गल्लां भी करी जा रहा नहीं मेरी बाइबल च सिखा रही है ये कोई धर्म सिखाती है पता कि धर्म सिखाती है ये इदा का धर्म सिखाती है कि जेकर तुसी घर विच बैठे हैं खुदा के सामने संपूर्ण होने चाहिए जे तुसी गलियां ते जा रहे हैं रस्तिया जा रहे हैं खुदा के सामने संपूर्ण होने चाहिए ये इदा का धर्म गुरु सिखाती है कि चर्च तो बाहर जो मर्जी करते रहो ये बच्चों ने इतना थोड़ा सिखा दिया कि माँ बाप सामने साफ साफ रहो बाहर जाके जो मर्जी करते रहो इतना थोड़ा सिखा दिया है। ये धर्म जो बजाती है एक वधिया ये इतना का धर्म थोड़ा सिखा दिया है जो कि संसार में चल रहा है कोई है मेरे नाल ए धर्म दे गजान लई गुण है ले विच जे गारे धर्म दे गजान वाला दे विच गुण है ते जिहदे विच लिख तांगे ओहदे विच भी एक गुण होएगा ओहदे विच भी एक गुण होएगा कि जीसस क्राइस्ट दा धर्म की है जीसस सानू की करन वाले कह रहा है जीसस सानू वचन की सानू अनुमति दे रहा है वचन विच की लिखा होया है सानू की करना चाहिए है मान लो एक बंदे ने गलती कर किने एक बंदे ने एक कोई गलती नो एक तो लेके अगर देखो मेरे वाला किन्नी बार लिखा गया एक बंदे दी एक गलती नू 500 बार एक बंदे ने रिपीट करती और एक बंदे दी गलती जो 500 बार रिपीट कीती है की धर्म हो जा रही है गलती कहते नहीं होंगे जेकर किसी वाले ऐसा उंगल करनी तैन अपने वाल भी आनियां ये भी देखना पैना
कि मैनू भी कुछ कह रही है। गल समझ आ रही है, कुछ बल्ले पै रहा है। बाइबल समझिए, खुदा पूछेगा नहीं है कि एक गलती नूं 500 बार तक रिपीट कर दिता, तेरे विच धर्म गजाउण दी कोई लिखत सीगी कि तू माफ कर दिंदा? गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐदां दे आत्मी जिहड़े खुदा वल्लों नहीं हैगे, जिहड़े कहिंदे कोई गल नहीं प्रचारक ने प्रचार कर देना है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ, ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੀ ਚਲਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਾਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਦੂ, ਛੂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਯੂ ਸੜਦੇ ਰੈਪਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਹਰਕਤ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੈਪਚਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ, ਰੈਪਚਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਪਚਰ ਖਤਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਪਾਲਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ,
लोग कंबल वंडी जा रहे हैं, घर बना बना दे रहे हैं, ये भले काम नहीं है? बोलो भले काम नहीं है? लंगर लाए जा रहे हैं रोड के ऊपर, की भले काम नहीं है? गरीबों के घर च राशन पाया जा रहा है, की ये भले काम नहीं है? पर इत्थे जिहड़ा भला काम है, ये वजन अंदर रैप्चर लई तैयार करता है, ये भला काम है। चौथा अध्याय पूरी पढ़ी गई सोच, चौथा अध्याय यही कहता सी पॉल्स, चौथे अध्याय उतर जाता है। मैं प्रभु दे मसीह यीशु नु जेड़ा जोंदया ते मोया तद पॉल्स ने आके मैं प्रभु दे यीशु मसीह यीशु नु जेड़ा जोंदया ते मोया दा न्याय करता है, गवाह करके ओदे गवाही दे ओदा गवाह है। मैं गवाह कीदा हां? पॉल्स कहता मैं गवाह प्रभु यीशु मसीह दा है जरा मुर्दिया जी उठिया है। मैं ओदा गवाह करके तेनू तगीद करता हां, मोया दा न्याय करेगा और जरा जिंदिया ते मोया दा न्याय करेगा, गवाह करके ओदे प्रकाश ते ओदे प्रकाश ते राज दा वास्ता, मतलब तेनू सौ दिन ना मैं ओदे राज दे ओदे राज दा वास्ता देके तेनू मैं तगीद करदा हां। भाई तू वचन दा प्रचार, भाई तू जेड़ा प्रचार करना वचन दा कर, वचन दा प्रचार कर दिया, तू करना की है? सिर पुलस रहे हैं, इत्थे सुनो की कहंदा है, एदा कहूगा पॉलस कहंदा तिमोथी नूं कहंदा तू एदा करना है? वो कोई गल नहीं, वो भैड़ बेचारी सफर तो आ नहीं सकी गी, वो भाई दा बेचारे जाए दिहाड़ी मर जानी सी, उन्हें कहा एदा प्रचार नहीं होना है, वचन दा प्रचार कर। मेनू कद झिड़क दिता, अज कहते मेनू क्यों झिड़किया, मेनू क्यों बोलिया? प्रचार कौन होंदा मेनू बोलने वाला, प्रचार कौन होंदा मेनू समझाने वाला? पर इत्थे वचन दे विच पॉलस कहना मैं तेनू तगीद करदा हां, तू वचन दा प्रचार कर, पूरी शिक्षा अते की कर झिड़क दे, वचन दा प्रचार कर दिया व्यक्ति झिड़कूगा, यस ब्रादर वो तो झिड़केगा, वो तो झिड़केगा, वो तो झिड़कदा रहेगा, वो तो बोलेगा। क्योंकि वचन का प्रचार कर रहा है। अरे ये बुजुर्ग माता ने झड़क दिता, ये बुजुर्ग भाई कहता पास्टर तो 20 साल का से क्यों झड़क दिता? वो झड़केगा क्योंकि उन्होंने ये काम कर ले दिता गया है, उन्होंने रैप्चर ले तैयारी कर ले दिता गया है, ये उन्होंने काम दिता गया कि झड़को उन्होंने इस प्रचार को लेके, झड़को उन्होंने जाके उन्होंने तार जाके, जेड़े संडे नहीं आते उन्होंने झड़का, जेड़े प्रभु भोजने आते उन्होंने झड़का, जेड़े गलत इस कमाई के लोभी बांधे उन्होंने झड़का। तीसरा अध्याय पढ़ता पढ़ता, तीसरा अध्याय प्रचार का सीगा ता ही उन्हें जाके चौथे अध्याय में आख्या, तीसरे अध्याय में उन्हें कहा झिड़क दे लोगों को, जिस जिन्होंने धंधा बनाया झिड़क दे उन्होंने लोगों को जाके जेड़े पेट के लिए भजे कर रहे हैं, झिड़क दे पर तू मेरे दुख मुसीबत देखना अते सीखना याद रखना सिक्ख्या कितों आ। अज मंच तो सीखते नहीं ना जेड़े, उन्होंने जीवन च प्रॉब्लम है, उन्होंने जीवन च कमी है, उन्होंने जीवन विच ही वचन तोड़न वाला आत्मा आता है, उन्होंने जीवन विच ही शैतान काम करता है, उन्होंने जीवन विच ही शैतान लोगों के जीवन च कचरा बीजता है, क्योंकि वह मंच तो प्रचार वाले नूं सीखना नहीं चाहते, वह तारना नूं सहना नहीं चाहते। मैं मैसेज ते जाऊंगा अपने ते, अच्छा लगता तो मैं अगे वधूंगा, जे तुसीं समझ रहे हैं तो तुहानूं समझ आ रही, मैं अगे वधूंगा संदेश विच। कोई हमें छिड़के, कोई रिश्तेदार आके छिड़के, भाई बबू भाई भाई रूपा कहना मेरी मम्मी मुझे छिड़के,
भाई बोल पी के ना मेरा डैडी चिढ़ के भाई पास्टर कौन होता है? पास्टर भी कोई होता है, वो इसलिए नहीं चिड़क रहा कि दिहाड़ी क्यों नहीं लगाने गए। मम्मी डैडी को चिड़के गए, अरे काम नहीं करता आज के दिन में, संडे को क्या करना है, ऐसे मम्मी डैडी भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी एक आएगा जो कहेगा छोड़ दे इसको, मैं तुम्हें डांटता क्यों गया तू, मेरा मालिक नहीं छोड़ रहा था। अरे मालिक को छोड़ दे, मालिक तुम्हें नहीं छोड़ रहा था, तू छोड़ दे मालिक को। ये माँ बाप जो है जिसकी तार में रहना चाहते हैं, ये कहेंगे अरे बड़ा कर दिया मैंने तुम्हें, कमाई करके ले गया, अब संडे ही बैठा रहता, तो चर्च में बैठा रहता, बाइबल पढ़ता रहता, संदेश पढ़ता रहता, घर पे पढ़ता रहता, आई दिहाड़ी ला लेता। ये माँ बाप इसी बार झगड़ा करते हैं, लेकिन एक है जो इस बार झगड़ा करता, छोड़ दे इसको, अनंत जीवन में जाना है तो काम को कम कर ला अपने को। आज की तो शिक्षा ही ऐसे जाल दिया, हमारा कोई रिश्तेदार आके कहे, समझ आ रही है, मेरी मामी आके कहे मुझे, मेरा फुफड़ आके कहे, मैं उसकी इज्जत करूं, एक ही बात पे मैं मान जाऊं, पांच हजार 50 बातें बोले गले में हाथ डाल लूं, ये कौन होता है मुझे कहने वाला, ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, ये होता है समझाने वाला, ये होता है ताड़ना देने वाला, ये होता है ताड़ना देने वाला, ये होता है ताड़ना वाले देने वाला, ये उसके जीवन में होता है, ये बातें उसके जीवन में उतरती है जो इसके दुख में से निकल के आता है, जो इसके दुख में निकल आता है, जो इसका बच्चा होता है वो ताड़ना सहता है, वो तकलीर रहता है, वो वचन को सहता है, जो इसका होता नहीं वो पात्र के गले में हाथ डाल लेता है। कौन होता है पात्र? क्या हमारे रिश्ते में से है? ऐसे लोग मिस्र में से निकल के आए, मूसा के द्वारा समुंदर फटा, कास में से मन्ना उतरा, तो बाद में कहने लगे तू कौन होता है हम पर हुक्म चलाए, तू कौन होता है हम पर हुक्म चलाए, तुम कौन है कि हमें दबाव पर रखे। उसने ये बातें बोलकर अपना रिवचर दबा दिया। खुदा का वचन कहता है, पॉलस कहता लोगों के ऊपर खुदा खुश नहीं हुआ। बहुत सारे लिखते पढ़ूंगा आज मैं तुम्हारे साथ, अगर आप पढ़ना पसंद करोगे तो पढ़ते जाना, यहां आओगे मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा, अगर सही प्रचार के पवित्र आत्मा से भरा हुआ, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन सही पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो चर्च भी आएगा, विश्वासी वो तो ताड़ेगा, घर पे कोई बुलाएगा वो तो ताड़ेगा, उसका तो काम है कि ताड़ेगा, वो चिढ़केगा, उसका काम है वो चिढ़केगा। आज का तुम्हारा डैडी जो होता है ऐसे बटके से पैसे निकाल के देने का, ले पौवा ले आ, लेकिन ऐसा बाप होगा जो पौवा भी बंद कराएगा, तुम्हारे बाप का पैसा भी बंद करवाएगा। तुम्हारा बाप जाएगा ये जर्दे की पुड़ी लिया, मेरे बच्चे का सिर टूटने लगा, मेरे बच्चे का सिर दुखने लगा, माए भी ऐसी होती है कुछ के ले पैसे निकाल के देते, ले बच्चे की जान निकल जाएगी, अरे माँ भी नरक में जाएगी, बच्चा भी नरक में जाएगा। ये वचन कह रहा है ताड़ ताड़ ऐसे लोगों को। प्रचार के बच्चों को बोलेगा मोबाइल पे कार्टून मत लगा के देना, मोबाइल मत देना, माँ दे देगी, ले ले रो रहा, ले ले रो रहा, ले ले रो रहा, मौत खरीद रही है माँ अपने बच्चे लिए, नरक तैयार कर रही है, कचरा बिजने में जोर लगा रही है, बाप कचरा बिजने में जोर लगा रहे हैं, बच्चों को खाने दो पीने दो खेलने दो, क्या खाना है गंध, गंध खा रहे हैं वो जिसके अंदर में कचरा आ रहा है, ये खाना है ब्रदर, खाना है ये खाना है जो आत्मा में आता है। अरे हमारे बच्चे को रोक दिया, हमारे बाप हमारे लड़के को रोक दिया, हमारी लड़की को, हम उसको खुश रखना चाहते हैं, रखिए खुश अपने बच्चे को, लेकिन मेरे पास प्रार्थना से सवाल कुछ नहीं है, नर के लिए खुश करें करिए, लेकिन मैं जीवन के लिए बोलूंगा
मुझे क्या है अपने बच्चे को गाड़ी लेके दे, बच्चों को बी आर क्या पेटियां लेके दे, बैंक में कमा कमा के पैसा डाल दे, क्योंकि बदफैलियों लड़कियों में डाले बदफैलियों में करके दे, मुझे कोई कहता नहीं। लेकिन मैं ये बताने आया हूँ कि तुम भी मरोगे, वो भी मरेगा, क्योंकि खुदा का वचन सच्चा है। खीर के दो ऐसी बात है, उसको तुम भी गुनाह में जाओगे, वो भी गुनाह में जाएगा। खुदा इस गुनाह में चलते किसी को उठाएगा नहीं। ऐसी आदे मतलब क्या, ये नबी ने कहा एक खुदा जब बपतिस्मा देते हैं, खुदा किसी को काम नहीं पूछता, कहां से आया, गलती कौन सी, ये तो बपतिस्मे का समा था, समझे। बपतिस्मा लेके पॉलस ने कहा अगर हम बाप भी करते रहे, रोमिया 6:5-6 पढ़ना करके जाके, क्या हम बाप में लगे रहे, क्या हम ब्राइया करते रहे, क्या हम उल्टा खाते रहे। अरे भाई आशीन ने बोला कार्टून पे नहीं, कार्टून भाई आशीन ने कार्टून पे नहीं बोला, भाई ब्रानम ने बोला हॉली वर्ल्ड श्राफी है। क्या तुम्हारे बच्चे श्राम में जीते हो, क्या तुम खुश होंगे। मैं तो मां की डांटूंगा, मां को भी डांटूंगा, उसको बाप को भी डांटूंगा जो ऐसी उन्मति अपने बच्चों को दोगा, उस बच्चे को भी डांटूंगा। रोइए, तुम भी रोइए, बच्चा भी रोइए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है रेपचर नहीं खराब करना किसी का। तुम्हें तरस आता होगा, मुझे नहीं आता। भाई ब्रानम क्या कहते हैं, किसी के दिमाग में एक बात चली, अभी अभी चली, अपने बच्चों को पता होता है कैसे कैसे रहना। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं तो मेरे फिर भी बात बहुत बढ़िया है, समझे। जरूरी नहीं कि पॉलस के पत्नी नहीं सी, पॉलस खाता नहीं सी, पॉलिस के बच्चे नहीं, बच्चों को बारे सिखाता नहीं, सिखाता था। भाई ब्रानम कहता है नदी पे चल रहा है, नदी के किनारे लड़कियां पड़ी है, लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़े अमेरिका में पहन के नहा रही है, तो बाद में रेत में अपनिया जो वहां देखते हैं, हम नेट पे देखते हैं कभी कभी, कि वो कैसा भाई ब्रानम ने सीन देखा था, तो वो लड़कियां रेत में जा जाती हैं, लेट जाती है, फिर नहाने चली जाती है, उना दुनवाती है। भाई ब्रानम कहता अगर मेरी लड़की होती डंडा परेड होती, पुत्र डंडा होता, ऐसे बोलता ना भी, मेरी लड़की होती तो डंडा होता, प्यार नहीं, समझा रही है। अगर नबी ने ऐसा देख के बोल दिया तो ऐसा नहीं कि अपने चर्च में नहीं बोला, उसने बोला, उसने क्या वहां मेरी लड़की उसमें होती तो मैं डंडा परेड करता। बात समझ में आ रही, हम तो करेंगे ऐसी बातें जो नबी बोल रहा है। अरे हमारे बच्चे को कौन ताड़ेगा, कोई है ताड़ने वाला जिसने वचन लिखा है, जिसने वचन बोला है। दिल थक थक करने लग जाता है जब प्रचार डांटता बच्चे को, फिर अरे हमारे बच्चे को कौन डांट दिया, हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को लिए दिन रात एक कर दिया, करिए करिए, पर मेरा काम है, मैं भी दिन रात एक कर रहा हूं एक एक प्राण के लिए। तुम्हें अपने पैसे की कीमत का पता होगा, तुम्हें अपनी गाड़ी की कार घर की कीमत का पता होगा, मुझे इस वचन की कीमत का पता चल गया है। इस वचन की कीमत क्या है, मुझे पता चल गया उस प्राण की कीमत क्या है। अरे कोई बात नहीं, प्रचार के लिए तो मंच पे प्रचारा, घर पे बच्चे को बड़ी एलसीडी ले दो, अरे बच्चे बैठे रहेंगे ऐसे घुसते रहेंगे कार्टून में, लालच लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। तुमने ही दुष्ट आत्मा खींच के दिया है उसको, तुम ही गुनाहगार पाए जाओगे, क्योंकि तुमने ही दुष्ट आत्मा खींच के दिया है। मैं हरियाणा जाने लगा, जाता हूं अभी भी, एर की मैं छोटी सी क्लिप बनाई, वो बच्चे टिकते नहीं थे, सुनते नहीं थे, वचन में इधर उधर भागते थे। अब उसने वहां एक भाई है, उसने अच्छा वचन का लोगों को सिखाना, बच्चों को शुरू किया,
इससे पहली मीटिंग में मैं गया तो उसने एक लफाफा ट्रॉफियां का भर के रख दिया जहां मैं भीड़ में बैठा था वहां। तो एक बच्चा था, इस बच्चे जैसा यहां भी आया बच्चा हो, तो उसने बोला कि पास्टर जी ये बाद में बांटना है। मेरे दिमाग में से निकल गई कौन सी बात थी, जब मैंने प्रचार किया बच्चे आराम से बैठे रहे, कुछ बच्चे सो गए, टाइम बहुत हो गया रात का 11 बज गए, कुछ बच्चे जाग रहे थे। जब बच्चे जाग रहे थे जब प्रचार बंद हुआ तो मेरे पास लफाफा आया, ऐसे ऐसे लफाफा पकड़ाया गया, पास्टर जी आप बच्चों को बांट दो। मैंने कहा सभी को या बच्चों को? कहते बच्चों को। मैंने कहा क्यों? कहते हमने बोला था कि अगर तुम चुपचाप वचन सुनोगे, चुपचाप टेक के बैठेंगे, भजन गाओगे तो पास्टर तुम्हारे लिए ट्रॉफी लेके आए। मैं ट्रॉफी तो आप लेके आए थे। मैं कहते हमने आपका बोल दिया था कि आप लेके आए हैं ट्रॉफियां हमें। एक की बार उसने फिर लालच दे रखा था, मैं देख रहा था कि लड़के और लड़कियां छोटे छोटे और भाई के साथ जोर जोर से भजन गा रहे थे और जोर जोर से जुटे हुए थे। मैंने कहा कोई तो है जो बच्चन के पास लेके जाता है हमें। अब बच्चों को क्या लगा के देते हो? ऐसे नहीं है बच्चों को लगा के देते फोन पे, पास में बैठते या देखने को कुछ करता है, कहते सुपरमुख देख लो मैंने ही सिखाया फोन पे, मैंने ही सिखाया फोन पे। भैया सुपरमुख लगा के दिए, पास में आप बैठिए, अगर बच्चा हरकत करता तो रोकिए। मुझे अच्छा लगा, ऐसा लोगों ने सिखाया, मुझे अच्छा लगा और कुछ बांधने लगे वहाँ लोग, बच्चों को तैयार करने लगे, भजन गाने लगे, बच्चे आगे बढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, बच्चे सब इकट्ठे होकर बैठने लगे, सिखा लगे। मैं ऐसी शिक्षा के बहुत विरोध में रहता हूँ, रहूँगा भी, जो बच्चों को अनुमति देते हैं गलत कामों के लिए, जो वचन बता रहा है उससे उल्टा प्रचार कर देते हैं, उल्टा सिखा देते हैं, उल्टा समझा देते हैं, उल्टा उल्टी चीज़ों को अनुमति देते हैं। यहाँ से तो ताड़ना आएगी, यहाँ से तो डांट पड़ेगी। अगर कोई कहे कि हमारे बच्चे हम डांटे हम ना डांटे, अरे हमारा काम डांटना है, बच्चों को भी बड़े को भी बुजुर्ग को भी जवान को भी हमारा काम डांटना है कि गलती मत करिए, गलत आत्मे से कुछ अपने जीवन में गलत आने ना दिए। कभी कभी कॉपियां मारते हैं प्रचार किया, मान लो कई बार ऐसा होता है कि पास्टर कुछ छोटी सी चीज देखने लगता है फोन पे, एक विश्वासी अरे पास्टर भी तो रील देख रहा था, समझाई, अरे मैं तो चलाता ही रहो रील पास्टर देख रहा था, एक कुवारी तो देख लिया कि पास्टर रील देख रहा है, समझे, लेकिन ये नहीं देखा कि पास्टर ने बाइबल भी उंगलों पर रट रखी है, इसीलिए रील में गया था कि क्या ये लेते तो क्या रील में सही है, संदेश संदेश उंगलों पर रटा पड़ा। रवि ने बोला क्या ये हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे जाता है तो देखने जाता है क्या ये हो रहा है, क्योंकि आसपास घर में तो नहीं, क्या ये हो रहा है हॉलीवुड सराफी है, क्या ये हो रहा है, पास्टर तो देखने चला गया, हम भी देखेंगे खाया क्या तुमने। पास्टर तो कुछ देखने जाता है कि उसको देखूं क्या सही है, उसमें फंसता नहीं वो। हम भी पात्र बन जाते हैं, लोग भी पात्र बन जाते हैं, हम भी करेंगे, वो पात्र करता हम भी करेंगे, करिए ये पात्र देखता वो बताइए लोगों को, ये गलत है, सही बात है, बताइए लोगों को ये गलत है। क्या बात समझ में आ रही है? रीस तो बहुत करते हैं बहन भाई पास्टर की, लेकिन पास्टर की बहुत सारी ऐसी चीजें भी है उनकी भी रीस कर लेनी चाहिए। पास्टर की रीस करना चाहते हो? यहाँ लिखा है ये बात बाइबल में, पढ़ाऊं?
पढ़ाऊं इसकी नेचर के इसके लिए। आइए पढ़िए अब्रानिया की किताब, यहां से पढ़ाऊंगा, यहां से इसी बाइबल में से पढ़ाऊंगा। अब्रानिया 7:13 की 7 है। अभी तो मैं अपने संदेश में जाऊंगा, थोड़ा दलेर रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज लिखते हैं आज मेरे पास। तुसी अपने आगुओं नु चेते रखो। एक मिनट, किसको चेते रखो? आगुओं नु कैसे चेते रखना है? तुम अपने आगुओं को चेते रखो जिन्ना ने अगुए क्या करने वाले होते हैं वो जिसकी बात पौलुस करता है, जिन्होंने खुदा का आज जो वचन सुनाने वाला हुआ होता उसको कहते हैं ये हमारे लिए क्या है। हमारे टुकड़ों को पढ़ने, कईयों को तो ऐसा लगता है कि हमारे टुकड़ों को पढ़ने वाला रामू है, समझे? लेकिन बाइबल क्या कह रही है, अपने अगुओं को चेते रखो जिन्ना ने खुदा का वचन सुनाया। अगलिया लाइन, जिन्ना तो नु प्रभु दा वचन सुनाया, उनकी चाल तो देखो। रीस करनी है तो चाल करिए, चाल कैसी है उनकी, वचन में कैसी चाल है, क्या वो वचन में बने रहते हैं, वो दुनिया में नहीं जाते, वो इस काम को नहीं करते, क्या चाल देखिए उसकी। सत्य के दिन काम छोड़ दिया, गलत मित्र छोड़ दिए, दुनिया में घूमना छोड़ दिया, दुनिया में रहना छोड़ दिया, दुनिया के कचरे को जिंदगी में आना नहीं देते हो, देखा उसकी तरफ ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है? चेते रखते हैं किन बातों को? आज विश्वासी कहते हैं विश्वासी प्रचार की बातें तो याद नहीं, मैसेज की बातें तो याद नहीं, पॉलस की बातें याद नहीं, यीशु मसीह ने क्या बताया याद नहीं, पतरस ने क्या बताया याद नहीं, योना मूसा ने क्या बताया याद नहीं। याद है कि कल हमारा रिश्तेदार आया था, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, बचन की उल्ट बातें होती है, ये बातें याद है, दिमाग में घुस जाती है, घुस जाती है, घुसती रहती है, कचरा तो घुस जाता है लेकिन वचन क्यों नहीं घुसता? क्योंकि नेचर जैसी उनकी है वैसी है नहीं। रीस करो, यहां लिखा है रीस करो, ओदी नेचर उन्हें दी नेचर दी की करो। पढ़िए, विश्वासियां दी पात्र दी विश्वास नाल मेल नहीं खांदा नेचर दा। जे ब्रदर ब्रैनन ने कहा तो विश्वासियां दा झुंड कितने इकट्ठा होंदा ना, जेकर उन्होंने अपने प्रचारक की नेचर नु देख लिया कि किन्नी गर नेचर है, वचन दे बनिया रहता है और चाहे कुछ भी गवाना पे वचन दे गवा देता है और फिर वो भी वो चीजा नु अपनी जिंदगी च पढ़ देंगे। नहीं जी असी प्रचारक दी रीस नहीं करनी, असी करनी सी अवानी दी उड़ानी दी। साडा तो चर्च ता आए सी मैं कितने अवानी वर्गा बन जावा ना, मैं रीस करूंगा ना ना, मैं छनी दौल की रीस करूं, मैं रीला बना के छड़ूं, मैं रंबले की रीस करूं, मैं रीस करूंगा की कहते और जो गाँवी होंगी जी आज करती है अजय लगी होंगी है ज्योति गेर कड़ी केड़ी ऐसी है छोड़ो जो भी है बादूगा बस ठीक है बादूगा कह दो। मैं इसलिए चर्च आया, मैं इसलिए चर गई कि मैं उस जैसा बन जाऊं
है, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, खुदा ने बोला ऊंचा उठाऊं मैं तुम्हें, मैं रीस करूं उन लोगों की। लेकिन यहां वचन में लिखा है उसकी रीच करो, नेचा की रीच करो जो तुहानू खुदा का वचन सिखाया, जिन्होंने तुहानू खुदा का वचन, असि तो नबी की रीस करते हैं, मैं तो पॉलिस की रीस करता हाँ, भाई ब्रानम की रीस करता हाँ, तो भाई ब्रानम की रीस करने वाले विश्वासी भी होने चाहिए। आज रीस करने लग जाते हैं लोग, रीस पता कैसी करते हैं, एक यहां से चर्च में से निकला, दूसरी बार दूसरा कहता मैं ना आऊंगा, मेरा की पार्टनर बगाड़ देगा, ऐसी रीसें चल रही है। तीसरी बार कहता वो भी नहीं आया, तीसरा कहता मैं भी चला जाऊंगा तो मेरा पार्टनर की बगाड़ दूंगा। एक है जो कुछ बिगाड़ने वाला है, एक है जो कुछ बिगाड़ने वाला है, वो नर्क में जलाएगा। यीशु मसीह बदल गया कि वो कल हो या नहीं सीगा, कि वो आज हो या नहीं सीगा, कि वो आज भी वो ही नहीं हैगा, वो इको जिहा ही है। इस आयत नू कह के ही बोल के बहुत सारे सड़ा छुड़ा दिंदे खेड़ा कि यीशु मसीह कल ते अज ते जुग जुग इको जिहा, पर वो किवें अपने कम्मां विच, अपने कानूनां विच, अपनी शिक्षा विच, अपने वचन विच, वो इको जिहा है। मैं इत्थे हर एक गल रख दूंगा बाइबल दी कढ के, कित्थे चलना चाहिए, की करना चाहिए, केड़ी मेचा होनी चाहिए साडे कोल, की होना चाहिए साडे कोल। अज कई बार ना सुनदे सुनदे कई बार कहिंदे मैं संजादा पढ़दा हुंदा विश्वासी भाई इक कहिंदे मैं हुंदा ना प्रचार करन दे लई मंच दे उत्ते, ते मैं तां अज ही रैप्चर करवा देना सी लोकां दा, इन्नी स्पीड नाल प्रचार करना सी। समझ आ रही है? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर। पौलुस ने कहा तू वचन का प्रचार कर, वेले वेले इस विच लग्या रहा, पूरी धीरज अते, अरे धीरज से प्रचार करिए, मतलब होने क्या वचन नू ले धीरज बना के, वचन इदा ही कहिंदा समझे, पूरी धीरज अते शिक्षा नाल, जेकर धीरज है तो झिड़क भी आएगी, जे ताड़ की कर ताड़, अज की होंदा है जीवन के अंदर, कहते प्रचारक ना ताड़े, साड़ी मामी आके भला ताड़ दे, मामी आके भला नरक वाल नूं तोड़ दे, फुफड़ आके भला पताल वाल नूं तोड़ दे, ਭੂਆ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਭੂਆ ਆਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। मैं ये पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, खुदा खुश होया? क्या ऐसा काम किया उस भाई ने उस बहन ने जो खुदा खुश हो? मैं वहां जाऊंगा, अभी तो टाइम है मेरे पास, मैं संदेश में जाना, वहां रिप्चर रुक जाएगा,
कार्टून दे दिया तुमने बच्चे को लगा के, तुम बच्चे का रैप्चर रोक रहे हो। संडे बंद करवा के तुमने ड्यूटी पर भेज दिया अपना बच्चा, तुम रैप्चर रोक रहे हो। प्रभु बोझ लेने के लिए फेल हो जाएगा हो। कई बार ऐसे फोन आते हैं मुझे, पास्टर जी काम भी तो करना, घर भी तो चलाना, क्या तुम घर चला सकते हो, क्या तुम अपने काम चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो खुदा उन कामों को रोकता क्यों, उन कामों में टिके क्यों? क्योंकि तुमने उन लोगों को खुदा के पास आने नहीं दिया। मैं बच्चे का चेहरा उतरा नहीं देखना चाहता, मैं बच्चे का चेहरा उतरा नहीं देखना चाहते, मैं रोता नहीं देखना चाहते, आग में सड़ता देखना चाहते हो? सारे बुद्ध देखना नहीं चाहते, लेकिन आग में सड़ता कोई बात नहीं। कहते बाद में सोच लेते, वो आएगा टाइम, देखी जाएगी, जब टाइम का क्या पता कल आ जाए। क्या तुम्हें मालूम है कि कल नहीं टाइम आएगा वो? क्या तुम्हें मालूम है कि 10 साल निकल जाएंगे? क्या तुम्हें मालूम है कि 20 साल अभी चलेंगे? क्या तुम्हें मालूम है कि आज की मीटिंग के बाद बहुत सारी मीटिंगें होगी? बताइए मुझे, किसी को मालूम है था? अपने समय चलाते हैं सब, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं खुदा कब आ जाए। मैं अपने लड़के को पढ़ाऊं, जज बनाऊंगा, क्या पता जज बनेगा या नहीं बनेगा। तुमने कुछ ऐसा करना था उसके लिए जो खुदा की हजूरी में जज होता, जो खुदा की हजूरी में उसका जीवन पसंद होता, जो खुदा की हजूरी में वो बढ़िया बढ़िया चलता। बच्चों की खुशी देखने चाहते हो तो ऐसा वचन सिखाइए जो खुदा उसके जीवन में खुश हो। बड़ी खुशी देखना चाहते हो बच्चों के? आप लोग देखना चाहते हैं सबके जीवन में खुशी हो, लेकिन खुशी वचन के बाहर सब फेल है। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आपको पहले बोला कि यहां सोने के लिए मत आना, सोना नहीं है। तुमको मालूम है यहां मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मैंने कहा था जो सो रहे हैं आप मत आइए। उस दिन की चर्च नहीं आई, मुझे कोई चिंता नहीं, समझा रही, मुझे कोई चिंता नहीं, नहीं आई तो ना आए। मैं यहां हर के लिए ताड़ना के लिए खड़ा हूं, यहां ही नहीं जब भी किसी को मिलूंगा ऐसी बात ही लेके मिलूंगा मैं। मेरे पास आ जाओ, कल आओ, 10 दिन आओ, 20 दिन आओ, 50 दिन आओ, 20 साल चलते रहो मेरे साथ, यही मिलेगा तुम्हें, ये वचन ही मिलेगा। कोई भाई कहेगा पाच नहीं होता मेरा, कोई भाई कहेगी मेरा पाच नहीं होता, वचन के बाहर कोई पक्षपात नहीं होगा। वो अलग बातें हैं जो दुनियावी होती है, हमें वचन को लेकर कोई पक्षपात नहीं होगा। अब क्या मैं अपनी बहन को कहूं जाके, अरे बहन मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, आज के बाद मैं तुम्हारे सोने पे नहीं बोलूंगा कि तू आती नहीं चर्च ना, ये कोई बात नहीं, चिंता किस बात की। मैं कह रहा हूं चिंता किस बात की है, अगर स्वर्ग में जाना तो आइए, रेप्चर में जाना तो आइए, हमें एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि यूएल पढ़ने लग गया तो हो ना हो मैं इसको आए, ये तो 10-15 दिन पहले की बात है, ज़्यादा ही दिन हो गए। मैंने कहा मैं इसको बोलूँगा कि छोटी बाइबल लेना, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या, देख तू ताड़ ना दे,
लेकिन बाकी का काम मेरा है। लेकिन मेरे मन में ये रहा कि खुदाबंद मेरे मन में ये बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि सभी के बीच में वो बाइबल लेके बैठे। तो आज जब मैं देख रहा था तो मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा था। मैंने कहा खुदा तो मेरी सोच में तो है, लेकिन खुदा मेरे से अच्छी सोच ही निकले, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे किसी बड़े के लिए हो, चाहे जवान लड़की के लिए हो, चाहे जवान लड़के के लिए हो। हमें एक दिन मेरे दिमाग में आई, हो ना हो ये शनकने बजाने लगे और बच्चों के ऊपर नमूना पड़े। कुछ दिन छनकने बजाने लगा, एक दिन उच्चान मेरे दिमाग में चल रही है ये बातें। मैंने कहा अब धीरे धीरे एक लड़की मेरे ज्यादा आई जिसका नाम ज्योति, मेरे साथ रही बहुत टाइम, बच्ची काम करती रही खुदा का। मैंने कहा एक दिन उसने डफली उठा ली थी ऐसे ही चलती चलती ने और आगे बढ़ने लगी। शैतान ने तूफान ला दिया, वो अलग बात है, खुदा अपने आप संभाल लेगा हमें। तो मैंने एक दिन डफली फड़ा दी, दिमाग में थी पहले बातें, पर जिस दिन फड़ाई उस दिन मेरे दिमाग में ने एक % भी ये बात नहीं थी। ऐसे ही फड़ा दी कि बच्चों को तो ये पकड़ा दे सनकने, और बच्चों को फड़ाने के लिए ऐसे दिमाग में आ गई कि बच्चे दूसरे भी बजाएं तो ये डफली बजा ले। और उसी दिन के बाद इस बच्चे ने मुझे दूसरा शब्द ऐसा बोला, आज के बाद मैं डफली बजावांगा। आमेन। आज मैं जब यहां बैठा बजाता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे मेरा हाथ मुड़ता है वैसे ही कोशिश कर रहा है। अब हाथ तो छोटा है, ज्यादा बड़ा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है एक हाथ से डफली ऐसे ही पे करने के लिए जैसे होती है। आमेन। खुदा का धन्यवाद हो। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे वो ही करेंगे। हम सिखा क्या रहे हैं, बच्चे वो ही सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी संगति होती है जो खुदा के आत्मा के नीचे नीचे चलती रहती है, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो। यहां झुंड का तो कोई मामला नहीं खड़ा हुआ, लेकिन घर पे दो जाने भी बैठे हैं। अगर तुम्हारे घर पे तुम बैठे हो, बच्चों के सामने झगड़े कर रहे हो, रुस के बैठ रहे हो, बच्चे तुम्हारी कॉपी करेंगे, करेंगे ऐसी कॉपी, करेंगे ऐसी कॉपी। क्योंकि नबी ने पवित्र आत्मा के संदेश में बोला मां धी की कॉपी करेगी, बाप की कॉपी लड़का करेगा। भाई ब्रह्म ने ऐसे बोला है। वो शिक्षा कहां से आई, आगे आगे आई हो। आमेन। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा है कि मैं बहुत खुदा से ऊपर कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये बातें खुदा के सामने जो रखते हैं हम वो बता रहा हूं, समझे, जो मेरे विचारों में रहती है, जो मेरे दिमाग में रहती है। हमें अब बात ये है, अगर इसी बच्चे को जो मेरे दिमाग में चल रहा है, इसी बच्चे को कोई आए कोई कचरे वाली चीज पकड़ा जाए, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बुआ हो, चाहे फूफी हो, कोई भी हो, डांट तो पड़ेगी। अगर कोई हमें क्यों डांटे, डांट तो पड़ेगी। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो। आज चर्च में कितने भाई बहन बैठे हैं जिसको बाइबल का एक हवाला भी नहीं पढ़ा जाता था। हमें जो बाइबल की आयतें पढ़ते पढ़ते अड़क जाते थे, चाहे उसने प्लस टू का रखी थी, चाहे कितने कोर्स के, लेकिन बाइबल की आयत की समझ नहीं आ रही थी। आज खुदा के पवित्र आत्मा ने हमारे द्वारा यहाँ मंच पे आकर सभी को घर भर के जाके कुछ बातों पर लेके आया। अगर उन बातों को कोई रोके, क्या वहां ताड़ना नहीं आएगी, क्या वहां डांट नहीं आएगी? आएगी। अगर एक भाई है, नौजवान भाई है, भाई गुरप्रीत की बात सुन ले,
भाई गुरमीत को मैंने 10 साल से सिखाता आया हूँ, अगर कोई घर का बुजुर्ग उठ के गए तो कौन होता सिखाने वाला, मैं कहूंगा मैं सिखाने वाला ये होता हूँ वचन। जिस जगह से जिस रास्ते में से मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ उस रास्ते का तुम्हें सपना भी नहीं आता कि वो रास्ता क्या है। बतेरे रास्ते यार, यीशु मसीह ने बोला है सौखा रास्ता बहुत जाएंगे और के रास्ते में कम ही आएंगे। आइए पढ़िए मेरे साथ, हो गया है। मेरे दिमाग में से निकलेगी तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम लाऊंगा तुमसे। ये मत्ती की इंजील में शायद आपको मिल पाएगी, लगभग आपको 7वें अध्याय में मिल पाएगी। और खुदा रहम करे मैं भूल ना जाऊं तो 13 है तो होगी। पीड़े फाटक तो बड़ो बड़ो क्यों जो क्यों पीड़े फाटक तो कौन कह रहा है? जीसस क्राइस्ट। पीड़े फाटक तो बड़ो, फाटक बहुत पीड़ा है। आपको मालूम है फाटक कौन सा था? यहाँ यहाँ थोड़ा उठना, बच उठ जाना थोड़ा सा। मैं उस ऐत को नहीं पढ़ूंगा लेकिन ये फाटक बोलूंगा, ऐत भी पढ़ दूंगा अगले संडे का फिर वो वाली। यहाँ सुई का नचा बनाना है, बनाए खुदा मदद करेगा जैसा भी होगा। बड़ा बना दो कोई गल नहीं, सुई नहीं बनानी, सुई का नक्का ही बनाना है। यहाँ एक ऊंट बनाओ, नहीं बनाना। ड्राइंग किसको करनी आती है? ऊंट कौन बना लेता है? किसी को ड्राइंग बिना डेटा जैसे कौन करता है? ड्राइंग ड्राइंग किसको आती है अच्छी? हाँ बस कोई नहीं, ऐसा ही बस पिंगा टेढ़ा सा लगा है, पूछ नहीं है गिर, कोई बात नहीं। अब ये वाला जो फाटक है ये यरूशलेम के दरवाजे के पास है, वहां मंदिर के पास है। यरूशलेम का एक दरवाजा है जिसको यीशु मसीह ने क्या पीड़े फाटक तो बड़ो, पीड़ा फाटक है उत्थे। कहिंदा ऊट पता नहीं लंघना औखा है, कहिंदा ऊट का सूई के नके हुए लंघ जाता है। हुण शाम के टाइम विच एक ही दरवाजा खुला रह जाता जिहड़ा सूई के नके वांगू बनया होया है, ते जिहड़ियां गड्डियां ते रात रुक जांदे आ घोड़े लंघ नहीं सकदे ते ऊट नूं गुन्ने टेक के लंघ जाता थल्ले वड़ जांदा वे। समझ आ रही है? तां यीशु मसीह कहिंदा पीड़े फाटक तो बड़ो, उसे फाटक नूं लैंदा बार बार, उसे फाटक न सुई दे नके वर्गा फाटका हो, उदे सिर्फ विच दी बोता लंघदा है, ओ भी बैठ के लंघ जांदा है। जिन्हां कोले बोते हुंदे ओ लंघ जांदे अग्गे ते बाकियां लई फारे दरवाजे बंद हो जांदे आ, सारे धनी धुनी सारे रुक जांदे, गड्डियां रात सब रुक जांदे आ उत्थे, समझे? बाकी दरवाजे सारे बंद हो जांदे, इक दरवाजा खुला रहिंदा सुई दे नके वर्गा है। इत्थे यीशु मसीह दा पीड़े फाटक तो बड़ो, वह पीड़ा फाटक मतलब इहनूं स्वर्ग राज दे नाल तुलना तस्वीर उत्थे पई है यरूशलेम दे अंदर, समझ आ रही? उसे फाटक नूं लैके स्वर्ग दे पीड़े फाटक वल नूं मुड़दा यीशु मसीह। फिर उत्थे पीड़ा नहीं लंघदियां जदों सारे दरवाजे बंद हो जांदे आ, फिर बिरले बिरले जांदे आ जिन्हां कोले ऊठ हुंदे आ, जिन्हां कोले ऊठ हुंदे आ ऊठ लैके लंघ जांदे आ, बाकी सब खड़े रहिंदे आ। बाले लंघ सकते खुले दरवाजे वे दी, इसलिए यीशु मसीह कहता बहुते हैं पीड़े फाटक तो बड़ो क्यों जो मोकला है। मोकला मतलब खुला, दो गल्ला बोलूंगा समझे, मोकला है वो फाटक ते खुला है, खुला है ओ राह जेड़ा नाश नूं जांदा है, और बहुत ही हन जेड़े उस तू जांदे हन। ये नाश नूं जान वाला रास्ता
हर का बना लेना। मैं ऐसे रास्ते बंद कर ले खड़ा है थे, समझ आ रही है कि किसी ने जाके कोश फड़ा देता बच्चा नु, किसी ने कोश फड़ा देता जाके घर दे विच और गंदे गंदे काम सिखा देते सारी दर टेक 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 एलसीडियां दे उते जा कुछ भी कचरा कुचरा दुनिया दा सिखाई जा रहा है। ये पीड़े फाटक विच लियाउण दी कोशिश करांगा, खुले फाटक तो रोकण दी, बड़े फाटक है लोग तोड़ दिंदे आ पैसे ने गुटियां जेब पा के लै पुरत मेरे जा दुनिया च खुले रास्ते वाले जी जिंदगी समझे। मैं हैगा ना जान ला दूंगा तेरे ते, कोई नहीं जानते सारा वेले उठे जाके तुसी ओदी जान ले लो वे कदे तुसी दरवाजा उन खुला बना के देता खुला पैसा वधिया गड्डिया। मैं नहीं कहता के ना लेके दो, खुदा दे विच तां होना चाहिए। संडे तो यहाँ बैठना चाहिए बच्चा, वचन को तो पूरा करना, रैप्चर की तो तैयारी करनी चाहिए, फिर चाहे जहाज खरीद के दे दो। यहाँ से कनेडा जाए पूरा हफ्ता कनेडा, 6 दिन कनेडा जा रहे, यहाँ आ जाए संडे के दिन, ऐसा बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वचन के बारे में तो खुला रास्ता है, बहुत हन जो एक एक करके निकल जाते हैं समझे। अब क्या करूं, मर गए जान निकल गई, अरे ड्यूटी नहीं मिले, अरे पैसा नहीं मिला, अरे ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ। खुदा ना मिला तो मरेंगे हम, पैसा ना होगा खुदा जीवन देने वाला पैसा भी देगा, खाने के लिए भी देगा, पीने के लिए भी देगा, पहनने के लिए भी देगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं खुदा नहीं दे रहा, खुदा नहीं दे रहा, खुदा नहीं दे रहा। खुदा कुछ लोगों को ऐसी चीजों को खोल देता है, खुल खुल मर जाइए, रोते रहते हैं चर्च में आके रोते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, गड्डी गड्डी, कोठियां, फेमस मैं बन जावा। खुदा कहता मर, अब बहुत टाइम हो गया, अब तुम्हें चाहिए था यहाँ मेरे साथ बातचीत करता, मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताता, स्वर्ग के भेद बताता, तुम्हें मालूम होता स्वर्ग में क्या मिलेगा, पृथ्वी पे क्या मिलेगा, ये बातें तो तुम्हें मालूम नहीं। एक बात पे मुझे इतने साल हो गए सुनते, अब ठीक है अब सुननी तो पड़ेगी, मेरा वचन ही बता रहा है कि मैं तो वो करूँगा ही, कि अब बुरे पर भी तो बरखा डालनी पड़ेगी। अरे कई बार ऐसे दिमाग में आते हैं हमारे बच्चों के काम रोक दिया, हम कौन रोकने वाले काम, जिस बच्चे को खुदा ने काम दे दिया तो वो देगा। अगर तुम्हारा खुदा के किसी के काम में जतन है, तुम्हारा जतन एक दिन उनके लिए मुश्किल भी बन सकता है। किसी भाई को बोल दिया ना, अगर यहां से खुदा ने इस मुंह में से यहां मंच में से नहीं कह रहा, अगर खुदा इस मुंह में से बोला हुआ, किसी को बोल दिया ना कि ये मोटरसाइकिल मत खरीदना, नुकसान होगा। अगर वो खरीद रहा है, मैं जिम्मेवार नहीं है, नुकसान होगा। बोला खुदा ने, बोला होगा तो होगा। अगर बाद में किसी ने बोल दिया, क्या बोला पात्र खुश ना हो, कौन सा पात्र ऐसा होता है जो कलीसिया आगे बढ़े तो खुश ना हो, कौन सा ऐसा बाप है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन ऐसा बाप है जो तुम्हारा बच्चा मच्छी मांगे तो उसको सांप दे दे, रोटी मांगे तो पत्थर दे दे, कौन है ऐसा। तो फिर कैसा खुदा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं नहीं दे सकता। कौन है ऐसा प्रचारक जो किसी को गलत सिखाए। आज तो ऐसा रहता जीवनों में, बच्चों खींच, बच्चे चर्च ना जाए, बच्चे ये ना करें, बच्चे दिहाड़ी पे जाए, बच्चे हमें 500 रुपया कमा के लिया के दें, माँ बाप का जोर लगा हुआ है, बेटा तू इधर जा, माँ कहती तू चल दिहाड़ी, मैं पुत जानी है चर्च, हाँ पुत में तू तेन गए बच्चे भी पालने हैं। बच्चा नहीं जिंदगी मारे खुले रान तोड़िया, खुले रान तोड़िया, जो तो चर्च का मामला है, मनदा नहीं मैं की करा, बाकी काम मन ही आंदा है,
बाकी काम के मैं सारे माने आता, उधर जवाब तुम दे दो। चर्च में आने के लिए नहीं मानता, ये सारी चलाकी है, समझ नहीं चलाकी है। कैसी बात बोल के निकल जाएंगे यहां से, तो निकल जाएंगे लेकिन खुदा से कैसे निकलेंगे। मानता नहीं चर्च में आने के लिए, मानता नहीं, कोई बात नहीं खुदा बना लेगा। ये बातें कह के निकलने का अच्छा रास्ता बनता है भाइयों और बहनों का, मानता नहीं। हम क्या करें, जो तुम दिन रात जो तुम्हारी बातें मान रहा है दुनिया के काम के लिए दिन रात खप रहे हो, क्या तुम्हें इतनी खपत वचन में की? एक बहाना है, मानता नहीं, मानता नहीं। बाकी सारी बातें तो मान ली, दुनिया के कचरे की बातें सिखाई तुमने, उसने मान ली। अगर वचन की बातें सही सिखाई नहीं, इसलिए नहीं मानी उसने। अरे बेटा ऐसा कर, अब तो तेरी उम्र 30-25 साल की है, अभी तो बहुत उम्र है, जाइए दुनिया में काम करिए, पैसा कमाइए, अभी चर्च में आने का बहुत टाइम है। ऐसी माँ को, ऐसे बाप को मैं यहाँ से चेतावनी चैलेंज करता हूँ, वो नर्क में जाएगा, आप भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा। रोटी खानी है हमसे, खाइए छितर मारेंगे वो तुम्हारे, क्योंकि तुमने ही कचरा भेजा उसके जीवन में, तुमने ही उसको गलत हाथ में तोड़ा, तुमने ही उसने गलत रास्ता चुन के दिया, तुमने ही उसके लिए गलत मेहनत की, तुमने ही सब कुछ किया, तुम ही गुनाहगार होगे। तुमने ही उसका प्रभु भोज रोका, तुमने ही उसका बपतिस्मा रोका, तुमने ही उसका रैप्चर रोका, और तुम भी गुनाहगार होंगे। अरे मुझ पे ऐसी आगे मत चढ़ाइए कि यहां से डांट रहा है, जोर लगा रहा है, इस जोर की कीमत पै रही है स्वर्ग में। एक एक अक्षर लिखा जा रहा है, इस मुंह में से निकलता एक एक आवाज का एक एक अक्षर नोट हो रहा है। तुम करो या ना करो, लेकिन मेरा जीजस बहस कर रहा है। तुम में बेकूफी होगी लेकिन उसमें नहीं है, तुम्हारी सोच गलत होगी इस बात पर, उसने उसकी नहीं है। तुम इस बात को गलत साबित कर दोगे लेकिन वो जानता है कि यहां से क्या बोला जा रहा है। अरे हमारी बेइज्जती होगी, हमारे डांट दिया, इस चर्च में आते तो बेइज्जती हो गया, डांट देते हैं। अरे ये वचन कह रहा है डांट, वचन कह रहा है ताड़। बहुते हैं जेड़े खुले फाटक तो जाते हैं जी, अति पीड़ा है वो फाटक, पीड़ा है वो फाटक, अति सौड़ा है, सौड़ा है वो राह जेड़ा जौन नु जांदा, जेड़ा जीवन नु जांदा है, अति जो उस नु लभदे हन, जो नु लभदे आ सो बिरले हन, बिरले आ बिरले, ऐसे बिरले नहीं है। मां बाप बच्चों को भेज दे कहीं दूर चर्च में से, कहीं बिरले है, हम उन बिरले में से है। तुम बिरले से होते तो बिरले को बिरला ढूंढने जाता है, बिरला बिरले को ढूंढने जाता है, कौन मेरे साथ वाला होगा, मैं तो बिरले बिरला अकेला हूं, कौन होगा मेरे साथ संगति करने वाला। क्योंकि जो अकेला होता है वो दूसरा भी चाहता है साथ में, कि मेरा साथी हो कोई। ध्यान से सुनिए, यहाँ भाई गुरबीर बैठे हैं, मैं कुछ गवाहियां लेकर आता हूँ, बातें जो यहाँ मुंह में से निकली है। खुदा को भाई, भाई को खुदा ने बरकत दी, मुझे एक एक बात का, लेकिन मैं गवाही गवाही बता रहा हूँ, लेकिन किसी को डाउन नहीं कर रहा, समझा रहे, कुछ बातें लेके मुझे समझाना पड़ता है,
समझाता हूँ मैं उस भाई को लेके जो पूजा पूरा रट चुका होता है, क्या उसको कोई चिंता नहीं है, उसको और समझ आ सकती है। लेकिन मैंने भाई को खुद ऐसे तरीके समझाए कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन उन तरीकों को समझ नहीं पाया कोई भी। आज मुश्किल का सामना कर रहा पड़ा, करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ा। रस्ते में से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, भैया मैं सुभाई ले रहा हूँ, किसी का काम नहीं उसार रहा, समझे? तो रस्ते में से जब प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर भी एक प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम में कुछ रुकी, खुदा ने कुछ स्टॉप की, तो भाई ने मुझे बताया अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा अब मैं वही बात जो तुम्हें कही थी वही कर, वही बात टिकी भैया, बाकी सब की सब। एक बात मुझे याद है, 2014 की बात है ये, या भाई गोरबी का कमरा अभी इतना तैयार नहीं था जितना अब है, समझे? वहां मैं मीटिंग कर रहा था, ये आंटी नीचे बैठी हुई थी, भाई कुर्सी में बैठा रहा था, वो लड़का था उस टाइम में, नहीं लड़की थी, दिन में इसी टाइम कई बात थी 12-1 बजे की। तो वहां एक संदेश निकला धनी अजाड़ू को लेकर, वहां एक संदेश निकला, और संदेश बड़ी स्पीड से निकल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदा कहता है मैं इन जमीनों को वापस ले आऊंगा, जो जमीनें इस घर की रुवाची है वापस ले आऊंगा। जब खुदा ने बरकत दी, मैंने बार बार ये बात रखी, भैया जमीन ले ले, तो संदेश इसलिए निकला है आप जमीन ले ले, जमीन ले ले, जमीन ले ले। लेकिन कुछ लोगों ने भाई को ऐसे भड़का दिया कि उस जगह पे आने नहीं दिया। लेकिन जब कुछ बातें पूरी प्रॉब्लम आ गई, मैंने कहा जब रास्ते में फिर एक बात आई, जब प्रॉब्लम से रुकी, तो भाई के पास कुछ थोड़ी सी बरकत रहेगी। मैंने कहा जमीन में लगा दे इसको, वो ही टिका है कि कोई और टिका है? वो ही टिका है। क्या भाई गुरबीर को पूछिए, क्या मैंने कभी उस पैसे को बोला कि कहां टिका है? बात सुन रही है कि नहीं समझा रही? तो बात समझ आ रही? कभी मैंने पूछा अरे भैया तुम्हारी वो जमीन कहां चली गई जो ली थी तुमने? मुझे कुछ लेना देना नहीं इन चीजों पे, मुझे इन बच्चों पर लेना देना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन खुदा की सारी ब्योतें सही होती है। खुदा अपने लोगों को कुछ देता है, कुछ अच्छे के लिए देता है। आमेन। कोई है मेरे नाल कि तुम समझ आ रही है? क्या आज भी ताड़ना आएगी? आएगी। मैंने भाई को एक और बात बोली वहां उसी दिनों में, जब खुदा बरकत देने लगा, मैंने कहा भैया आप ये बरकत संभाल कर रखना, पब्लिक में शो मत करना, लोग तुम्हारी बरकत को, कोई खुदा ने एक्सपीरियंस भी ऐसा दिया है, कोई खुदा के आत्मों की बातें भी सही। जिस दिन भाई ने ऐसा शो करना शुरू कर दिया, सारी बरकत छुटाप हो गई। होगी कि नहीं होगी? हो गई कि नहीं होगी? लेकिन कोई ऐसा प्रचारक नहीं होता जो अपने विश्वासी को गलत रह जाए, ये तो उसको गलत लगती है जो उसमें आत्मा घूमता है, जो खराब और बर्बाद करने वाला होता है। आमेन। कोई है मेरी लाड कि तो समझ आ रही है? होगा, बहुत सारे को जीवन में ऐसी बात होती है। मैंने अपने सिस्टर को बोला लड़की की शादी के बारे मत करिए, शादी होगी, मैंने कहा बाहर मत भेजिए, जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उस लड़के को भी भेज दिया जिसके साथ, मैंने कहा मत ऐसा करिए। अरे मुझे तो समझ नहीं ना, उसको ज्यादा समझ है, सिस्टर है ना मेरी, बड़ी है ना। अब प्रॉब्लम बहुत आ रही है, अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सहने के बाहर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ हो पाएगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। कहावत ठीक रुकती है, अब पछताया क्या बनेगा जब चिड़िया खेत चुक गई है? अब पछताया तो कुछ नहीं होगा जब चिड़िया ही खेत को चुक जाए। मुड़ के आप धनी के जैसे ऐसे थाएं मत मारना, अरे खुदा लाजर को नीचे भेजिए, अरे खुदा लाजर को नीचे भेजिए, अरे खुदा लाजर को नीचे भेजिए, अरे मेरे भाइयों के पास जाए, मेरे बच्चों के पास जाए। अरे खुदा ने कहा अब नहीं है समा, कोई नहीं आएगा स्वर्ग में से बिताने के लिए।
उसके पास नबी है, पुस्तके है, संदेश है, टेबे है, सुने ना सुने तो कोई भी नहीं समझा सकता। आइए हम उसे संदेश में जाएं, टाइम काफी हो गया है, मुझे मालूम है आपको समझा रही है हमें। यहां यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जी यूहन्ना की इंजील में से क्या वो जीवन की रोटी है, क्या हम उसको नहीं समझेंगे भाइयों? क्या नहीं समझेंगे कि जीवन की रोटी है वो? क्या वो नहीं समझेंगे खाना कैसे है उसको? हर एक टाइम पे खाना है उसको। आज मैं एक टाइम की बात कर रहा हूं, कईयों के दिमाग में ऐसा होगा अब मैं क्या करूं, अब तो प्रभु भोज का प्रचार हो रहा है, अब तो प्रभु भोज भी लेना पड़ेगा, मुश्किल सी खड़ी हो गई। अरे ये इतनी मुश्किल प्रभु भोज लेने में खड़ी होती है तो फिर आगे बढ़ी एक और मुश्किल आएगी। इस मुश्किल से तो एक रास्ता बन जाएगा, क्या पता गलती छुड़ा दे खुदा, लेकिन अगली मुश्किल से कोई नहीं बचा पाएगा। समझा रही? अगला तो नरक में है निशान। यो व्यक्ति प्रभु भोज छोड़ता है वो अपनी शाप छोड़ के जाता है कि मैं नरक का कीड़ा हूं। उसके पीछे मत जाइए, उसकी शाप में मत आइए जो प्रभु भोज छोड़ के चला जाता है। ऐसा मत बनिए कि हम भी चले जाएं। अब 10 चले गए, 20 चले गए, यहाँ 10-15 बैठे गए, क्या 20 चले गए हम 15 का क्या है यहाँ? भैया एक भी समझे इस वचन को, 15 का लेना देना नहीं यहाँ, 50 का लेना देना नहीं, एक ही समझ लीजिए जो आ रहा है वचन में, समझ रहा है, सुन रहा है, वो ही समझिए। जी जे कोई इस रोटियों को जखाए ता वो सदा तीक जिंदा रहेगा। की तुसी सदा तीक जिंदा रहना चाहने हो? की रोटी सानू रोज खानी पैंदी है? की सुबह उठ के रोटी नहीं बनाउंदे? की सब्जी नहीं बनाउंदे? कई बार कई ऐसे व्यक्ति है वे ही रोटी भी नहीं खांदे, ताजी ताजी सब्जी खांदे अपनी इस देह नूं बचाउण दे लई, आत्मा नूं बचाउण दे लई। नहीं चाहिदा कुछ आत्मा नूं बचाउण लई नहीं मेहनत करनी पैनी? पर कई बार ड्रामा खिंचा पैना, साग तोड़ के लिया हुण सैला दी लिया करन गया ना, साग तोड़ के लैणा सैल दियां ने पहला तोड़ के लिया, ठंड जाके फिर सैल दियां ने, चाहे भाई लिया तोड़ के ठंड तां हुंदी आ क्या, फिर उन्होंने सिल दिया ने, फिर उन्होंने चीर दिया ने, फिर ये चीरी आदि नाल पानी वाली तौड़ी रखी होंगी है उबली आदि होती फिर चुक चुक सैड दिया रिन रिन के और इन्ना का जलूस कट दिंदिया ने, अग बहुत बचा बहुत अद्धी दिहाड़ी गुजर जाती है हमें, कई बार शायद सारी दिहाड़ी गुजर जाती है। फिर जब रिज जाता फिर नीचे उतार दिया ने, उसके विच मिर्चा पाउंदिया ने, फिर सेक लवाउंदिया अदरक मिर्चा जो कुछ वगैरह वगैरह टेस्ट बनाने लिए उन्होंने बहुत कुछ बहुत मटीरियल पाया जाता है, फिर उन्होंने उतार दिया नीचे, फिर मंडनी फेर दिया जो अभी खड़ा नहीं छूटा, चिंता मत करिए अभी खड़ा नहीं छूटा उसका, समझे? फिर आटा सिट के मंडनी फेर दिया घोट जट करके फिर आगे धर दी हजे खड़ा नहीं छुटिया वाला, फिर उन्होंने उतार दिया फिर नीचे थोड़ी मंडनी फेर दिया, फिर आगे पूरा रिन के उन्होंने फिर आटे वाल मुड़ जाओ, कणक वढ़ी जाती बोरिया च भरी जाती साफ की जाती फिर चक्की से ले आई जाती है, फिर आटा पीसा जाता है, फिर आटा पीस के उन्होंने आटा गुन आसान दिया ने कचरा ना रह जाए है ना, है ना? इतने पता नहीं किन्ने बच्चे कहते रहन दो कचरा रहता रहन दो कोई गल नहीं चली चलन दो जीवन बन जाएगा। इस बॉडी को बचाने के लिए तो कचरा सानिया जाता है हमें, कणक का सिरका भी सानिया जाता है, जो सूरज है कणक का सिरका ही होता है ना, वो भी सानिया जाता है, पर की वचन दी शान नहीं लगनी चाहिए,
के आत्मा नु नरक च ले आने वाला कचरा भी सानिया जावे। पवित्र आत्मा दे चक्की दे पुड़ ते चढ़ाया जावे। आमेन। चक्की दे पुड़ चक्की घुमाई जावे। यीशु मसीह मते दी विच क्या दो आता चक्की बिना चला ली जाए कि छाड़ दी जाएगी कि चक्की नहीं पीनी पौगी इस बीज नु पीण दे लई कि चक्की नहीं चलानी पएगी। फिर रोटी बनती है आटा गुन्ने ना रोटी बनती है तीन खुंजे परोठे चार खुंजे परोठे देसी क्यों ना टेस्ट मुंह में जाए टेस्ट आए मुंह में जाए आ, आ। अरे ये बॉडी बचाने के लिए तो इतना कुछ करा जाता है, आत्मा बचाने के लिए क्या करोगे आप? आत्मा बचाने के लिए नहीं कुछ खाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम छोड़ने पड़ेंगे, अंधेरा ढोना पड़ेगा, जर्दे छोड़ने पड़ेंगे, पोत छोड़ने पड़ेंगे, शराब गालियां छोड़नी पड़ेगी, लड़ाइयां छोड़नी पड़ेगी, बल बैलियां छोड़नी पड़ेगी। ऐसो तक और तानू मैसन विच चल दिया नू आवारा गर्द लोका विच जाना भी बंद करना पऊगा। नबी ने कहा हमारे चर्च की बहने आवारा गर्द लोगों में जाके काम भी नहीं कर सकती हैं। ऐसो तक नबी ने कहा औरत दा कपड़ा सील वाला दर्जी भी बंदा नहीं होना चाहिए। नबी ने दादा बोला वो दर्जी भी मसीह होना चाहिए, चाहे लड़की होवे तो दर्जी भी मसीह होना चाहिए। अजे तो बहुत दूर बैठे हैं, असं कोशिश तो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कोशिश तो करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? कचरा तो छानना पड़ेगा कि नहीं छानना पड़ेगा? जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन में तो कचरा नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो कचरा कणक में नहीं होता, कचरा सैंड में से पैदा होता है पर कणक में से मिल जाता है। हमें फिर वो कणक में आ गया तो उसको साफ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कणक गलत नहीं है, लेकिन कचरा आया कहीं से कि कचरा आए। अब जीवन की रोटी में हा? जी अति जो रोटी मैं दियांगा, जो रोटी मैं दियांगा सो मेरा मांस है, ओ मेरा मांस है। ए प्रभु को इदी गल है, ए मेरा मांस है जेड़ा जगत दी जीवन ली मैं, जेड़ा जगत दे जीवन ली मैं दंदा हां जी। इसलिए यहूदी आपस विच कह के बैसल लगे जी, जो ए अपना मांस की कर सानू खान ली दे, ए अपना मांस किदा खान ले देवेगा? तद यीशु ने इनन आख्या, तद यीशु ने इनन आख्या मैं तानू सच सच, फिर यीशु कहंदा जेडी गल यीशु सच कहंदा ओनु कोई बंदा नहीं पलट सकदा, ओनु कोई व्यक्ति नहीं गलत कर सकदा, ओनु कोई विश्वासी या प्रचारक नहीं गलत कर सकदा। जेडी गल यीशु मसीह सच सच कहंदा है, मैं तुहानू सच सच आखदा हां जे तुसी मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ, ना खाओ अते ओदा लहू ना पियो, ओदा लहू ना पियो, कि तुहानू समझ आ रही है? मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ अते ओदा लहू ना पियो ता तुहाडे विच जीवन नहीं है। जी अगे बढ़िए, जो कोई मेरा मांस खांदा, जो कोई मेरा मांस खांदा है अते मेरा लहू पींदा, अते मेरा लहू पींदा है सदीपक जीवन उसी दा है, सदीपक जीवन उसी दा है अते मैं अंत दे दिन ओनु जिंदा उठावांगा। अरे ये रिवजर के साथ घड़ी जुड़ी हुई है, बात समझ आ रही है? अंत के दिन में जिंदा रहना है,
क्या तुम चाहते हो क्या अनंत के दिन में जिंदे उठाए जाए? कितने लोग चाहते हैं क्या अनंत के दिन में जिंदे उठाए जाए? इसके बारे क्या क्या लगा प्रभु जी के बारे? क्या हमको कोई टाइम नहीं है? कौन बहुत सारे कह रहे हैं हमारा जीवन नहीं सही, किसने सही करना है, किसने छोड़नी है जी? इतना टाइम, अरे थोड़ा सा टाइम दो, 10 साल हो गया, कम इतना टाइम लग जाएगा, अभी भी टाइम चाहिए, अभी बूढ़े नहीं हुए ना, इसलिए अभी जवानी, कौन सी जवानी में जी रहे हैं आप? अभी जवानी लगा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं अंत के दिनों नू, तो सवाल ये है भाई और बहनों, जो खा ही नहीं रहा, जो पी नहीं रहा, जो किसी को ये बातें सिखा नहीं रहा, क्या वो जिंदा उठाया जाएगा? अरे क्या हो गया, मैंने प्रभु भोज की मीटिंग छोड़ दी तो काम आ गया था ना बीच में, काम नहीं आया था, शैतान आ गया था, तुम्हें चाहिए था वहां लात मार के शैतान को छोड़ के आते, कचरा आ गया था, चलते रिप्चर की गाड़ी में कचरा आ गया तो रिप्चर रुकेगा? अरे कोई बात नहीं, पहले मैं घूमया हूं कहीं दुनिया में, कमाई कर लो फिर आगे प्रभु भोज ले लू, तुम्हें मालूम है दुनिया में जाओगे, दुनिया के गलत काम करोगे, आपको तोहफा द्वारा करनी पड़ेगी, तुम्हें बपतिस्मा द्वारा लेना पड़ेगा, दुनिया के कामों से तोहफा करनी पड़ेगी, संसार की उपासना में चले गए तो आपको गलत उपासना, किसी गलत चर्च में भी चले गए तो आपको फिर तोहफा करनी पड़ेगी, फिर दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ये ऑप्शन है अगर, ये नबी के संदेश के बीच में स्टेप रखे गए हमें, तो फिर आपको प्रभु भोज के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। आप चल रहे हैं संदेश में तो पश्चाताप आप भी करना पड़ेगा, उन बातों का पश्चाताप तो, अरे कोई बात नहीं, अब 2 महीने 4 ना लेंगे प्रभु भोज तो क्या होगा, हमारा काम है वचन को देना, 2 महीने 4 निकल जाए, आप नहीं बदलना चाहते, मैं कहूंगा खुदा के लिए बदलना ही पड़ेगा, सॉरी खुदा के लिए नहीं, अपने अनंत जीवन के लिए बदलना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम अनंत जीवन में जाएं, आप चाहते हैं कि जीसस मुझे जिंदा उठाए, तो आपको बदलना पड़ेगा। बदल तो जाऊं लेकिन अब और चर्च जो मैं एंड करूं फिर बदलूं, हर एक चर्च कोई भी डिमांड करता है कोई, लेकिन वचन को तो लेना ही पड़ेगा। नबी ने तो बोला चर्च डिमांड नहीं कर सकते जल्दी, नबी ने तो ऐसा बोला है इंसान नहीं है कि मैसेज में एक पास्टर जल्दी से बदल देना, ऐसा खेल बांदर बांदरी का खेल नहीं, नबी ने क्या है ये जबूरे वाला खेल नहीं है कि यहां ना देखे तो वहां देख लेंगे जाके, ये सब्जी की रेडी नहीं है यहाँ महंगी है तो वहां सस्ती खरीद लेंगे, ये वाली बात नहीं है। वचन बाजारों में बिकता नहीं है, वचन एक स्थान पे रहता है। आप चाहते हो अनंत जीवन का मैं भागी हूं, अनंत जीवन की मैं भागी हूं, तो भैया अनंत जीवन के लिए तो खुदा कह रहा है मेरा मांस कोई खाएगा अते मेरा लहू कोई पिएगा, ये जीसस क्राइस्ट कह रहा है, अगर मेरा कोई मांस खाएगा तो मेरा लहू पिएगा तो मैं अनंत जीवन अंत के दिन में उसको जिंदा उठा लूंगा, अगर ना पिएगा तो मैं सवाल करता वहाँ, आज नहीं मैं करूँगा, आज तो मुझे मालूम है, वहाँ होता तो मैं सवाल कर देता, अगर खुदावन जीसस कोई ना पिए तो ना खाए तो मुझे उसने जवाब दे देना था, तो फिर मैं उठाऊंगा नहीं। आज तुम में से कोई सवाल कर दे पास्टर साहब अगर मैं ना खाऊं
फिर मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर मैं ना पीऊं तो मेरा क्या बिगड़ूगा? सारा कुछ बिगड़ जाएगा, घर टूट जाएंगे, बैंकों के खाते जल जाएंगे, गाड़ियां आग में जलाई जाएंगे। तो आप ना पियोगे ना खाओगे, तुम भी साथ साथ में जलाए जाओगे। मैं आपको बोला है, अगर मैं वहां होता तो मैं यीशु को सवाल करता तो मुझे जवाब यही मिलता। सही बात है, मुझे जवाब यही मिलना था, क्योंकि यीशु मसीह मेरी ऐसी समझ के लिए तो खुदा अपना बच्चा नहीं बदलेगा। किसी की समझ ऐसी हो सकती है, लेकिन उसकी बातें क्या है? क्या वचन है जीवन में? सिर हला हला के दुनिया का धर्म सिखा सकता है कोई किसी को, बच्चे पालने सिखा सकता है, लेकिन बात ये पैसा कमाना सिखा सकता है, लेकिन ये बात जो जीसस क्राइस्ट ने सिखाई, क्या ये सिखाएगा? वो ये तो कोई सिखा नहीं सकेगा ना। अगर वहां मैं होता तो जीसस ने मुझे यही जवाब देना था, बच्चों अगर नहीं कोई खाएगा, अगर नहीं कोई पिएगा, मैं उठाऊंगा नहीं। यहां तो बोला नहीं उसने, पढ़ दिया, आगे बोला तो नहीं है। क्योंकि मेरा मांस सचमुच खान दी अति मेरा लहू सचमुच पीन दी वस्तु है। जो मेरा मांस खांदा ते मेरा लहू पींदा है सो मेरे विच रहिंदा है और मैं उस विच। जिस तरह जोंदे पिता ने मैनू भेजा अति मैं पिता दे कारण जोंदा हां, उसी तरह जेड़ा मैनू खांदा है सो मेरे कारण जिएगा। सो मेरे कारण जिएगा। कई बार खाते हम ऐसे ऐसे खाते हम, ऐसे भी खाते हम इसको संदेश जब पढ़ते रहते, और बातें आती है संदेश में से। अब ये संदेश का क्या नाम? और उस समय से, मतलब ये संदेश बोला गया और उस समय से, हम खा रहे हैं और इस समय से क्या हुआ था? हम ये चीजें यहाँ प्रभु भोज का संदेश आ गया, हम क्या कर रहे हैं? ये प्रभु भोज कैसे करना है? हम ये ऐत खा रहे हैं, ये ऐत हम पढ़ेंगे संदेश, तो हम ऐत खा रहे हैं। हर के समय पे हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन जिस समय पे यहाँ बैठ के खाना है, तो हमने संदेश पढ़ लिया, हम प्रभु भोज संदेश पढ़ रहे हैं, एक भाई पढ़ रहे हैं, एक बहन पढ़ रहे हैं, संदेश पढ़ी जा रहे हैं। संदेश पढ़ना हम प्रभु भोज के बारे में जान रहे हैं, समझ आ रही? लेकिन जब हम रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं, प्याला लेते हैं, तब खाते हैं उस मांस को, उस पीते हैं उस लहू को। आज भी हम जान रहे हैं, खा नहीं रहे, आज हम जान रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, तो क्योंकि ये संदेश हमारे जीवन में आएगा तो आई तो हमारा जीवन बनेगा, तो आई तो हम खा पाएंगे कि कैसे खाना है, खाना कैसे खाया जाता है। जिसको लॉर्ड सफरा क्या है ना, बिने आखिरी खाना, हमें इसके बाद कोई खाना भी नहीं होता गा, ये आखिरी खाना होता है। अगर तुम्हें से कोई आज सवाल करे प्रभु यीशु मसीह को, तुम्हारे को जवाब क्या मिलेगा? आप बताइए भैया, अगर आपको आप प्रभु यीशु मसीह को सवाल करें कि अगर ये कोई मांस ना खाए तो लहू ना पिए, क्या वो उठाया नहीं जाएगा? तो यीशु मसीह क्या कहेगा? आज मेरे पास भी ऐसे सवाल आते हैं सेवक होने के नाम पे, कहते अगर प्रभु भोज ना लेगा तो मैं कहूंगा नहीं उठाया जाएगा, उठाया जाएगा नहीं। अरे क्यों नहीं उठाया जाएगा? चर्च में आते हैं, टाइट पे करते हैं, बपतिस्मा लिया, लेकिन ये बातें अलग है, लेकिन ये बात ये दिया रिप्चर के साथ जुड़ी हुई है। रिप्चर काट दिया, किसी ने प्रभु भोज छोड़ दिया, रिप्चर छोड़ दिया अपना, लेकिन जीसस ने कहा मैं जिंदा उठावांगा,
अगर सवाल आए कि अगर ना खाया तो ना पिया फिर क्या होगा, उसने कहना मैंने अगला शब्द बोला नहीं, आप ही समझ लो कि वो उठाया जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही, वो उठाया नहीं जाएगा, ये बाइबल कह रही है वो उठाया नहीं जाएगा। हमारे घर पे नहीं है कोई, कोई हमारे घर पे खाना बनाने वाला नहीं, हमारे घर पे कोई दरवाजा नहीं खोल, हमारे घर पे कोई राखी करने वाला नहीं है। ये बातें खुदा के ऊपर छोड़िए, कल में कोई ऐसा हो, खुदा ना चाहे ऐसी बातें मुझे ना बुलाए, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा संकट आ जाए आपको सारे दरवाजे बंद करके हॉस्पिटल जाना पड़े, तब घर पे कौन होगा, तब कौन होगा, तब चोरों से कौन बचाएगा। अगर खुदा के वचन में आए दरवाजे बंद करके आ जाए तो कोई बात नहीं, खुदा संभाल लेगा। अगर उन बातों में ना आए आप तो खुदा कैसे संभालेगा, फिर चोर भी आएंगे, सन भी मारेंगे, चोरी भी करेंगे, बर्बाद भी करेंगे, बीमारियां भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगे, झगड़े भी होंगे, घर बर्बाद भी होगा, काम भी रुकेगा, पैसा भी रुकेगा, सब कुछ होगा, मुसीबतें भी बढ़ेंगी। बहाने बहुत है, अब घर पे कोई नहीं है, घर पे भाई कोई ना कोई तो होगा। अरे कोई बात नहीं, कुछ ऐसा समय आएगा खुदा प्रकट करेगा, अब घर पे कौन होगा, उस टाइम घर पे कोई भी नहीं होता, आज कोई भी नहीं, लेकिन आज कोई भी नहीं, जब कोई ना कोई भी नहीं है, जब कोई होता है तब कोई ना कोई रुक जाता है। ये बहाने कब तक चलेंगे, इस बहाने के पीछे कुछ होता है उसको छोड़ दीजिए। आप जंगल में है खुदा संभाल लेगा, आपके घर संभालने के खुदा सामर्थ रखता है, तुम्हारे घर की रखवाली करने के खुदा सामर्थ रखता है, तुम्हारे बच्चों की रखवाली करने के खुदा सामर्थ रखता है। ऐसा मत करिए कि आप बच्चों को तोड़ दो ठेके की तरफ, आप बच्चों को तोड़ दो संडे के दिन दुनिया की तरफ, आप सही वचन में से निकाल के दुनिया के और कामों में तोड़ दो, ये तो तुम्हारी गलती होगी। अगर आप वचन में चल रहे हैं, वचन में चला रहे, खुदा संभालेगा, खुदा में सामर्थ है, खुदा इतना कमजोर नहीं जितना लोग बना देते हैं, खुदा इतना बेसमझ नहीं जितना बना देते हैं। खुदा जिंदगी में काम करना चाहता है, रोकने वाले लोग ही होते हैं। सवाल फिर बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, खुदा कहेगा रुक जाएगा रैप्चर, खुदा क्या कहेगा रुक जाएगा रैप्चर, क्योंकि ऐसी बातें यीशु ने आगे बोली नहीं है, उसने ऐसा बोल दिया अगर कोई मांस खाएगा लहू पिएगा मैं अंत के दिन जिंदा उठा लवांगा। दूसरी बात तो सारे समझ रहे हैं, अगर कोई पिएगा नहीं कोई खाएगा नहीं तो उठाएगा कैसे, जीसस के पास कोई रास्ता नहीं है। आप लोग सोचोगे ये कौन सा प्रचार के प्रचार कर रहा है ही नहीं है, बताइए अगर खुदा बोले कि मांस खाएगा लहू पिएगा ता उठाऊगा, अगर कोई पैसे वाला उठ के बोले मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा मेरे तो फुल बना चल दिया है मैं इस वचन में रहूंगा, ये वचन क्या बता रहा है, जी जैसा काश बदल सकता है, ये धरती बदल सकता है, लेकिन ये वचन नहीं बदल सकता ब्रदर, ये वचन नहीं बदल सेक्टर बदल सकता, ये वचन में लिखा गया है वो ही करेगा, दूसरी समझ को नहीं रहेगा वो। मैं हरियाणा गया, सवाल उठते हैं, हमें एक पे एक सवाल उठता है, बाइबल पढ़ने वाले एक पे एक सवाल उठाते हैं, लेकिन खुदा सवाल के जवाब देता रहता है, हमें लेकिन एक से एक सवाल उठाने वाले है कौन, ऐसे सवाल उठाएंगे वो लोग जो खुदा की तरफ से सिखाए हुए हैं, वो कहेंगे आगे चर्च में नहीं, बाद में भी फोन करेंगे, 10 दिन गुजर गए 20 दिन गुजर, प्रभु बोझ कब होगा, कल्पेंगे वो लोग, कल्पेंगे पास्टर के पास आके फोन लगा के, प्रभु बोझ कब होगा, प्रभु बोझ कब होगा, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक प्यास है
अनंत जीवन में जाना है। वो ऐसी दुआएं नहीं करते, शुक्र है प्रभु बोझ बंद हो गया, अब तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। उसके अंदर एक प्यास है, प्रभु बोझ कब होगा, प्रभु बोझ कब होगा। मुझे फोन आते हैं अमृतसर से भी, भैया प्रभु बोझ कब करोगे। हरियाणा वाले कहते प्रभु बोझ कब करोगे। मैंने कहा हमारा चर्च सो रहा है अभी, जागने दो। जब चर्च जाग जाएगा, आंखों से सिलका उतर जाएगा, शैतान कचरा जो जीवन में बाड़ा वो निकल जाएगा, तब वो ही कहें कि हम प्रभु भोज ले लेंगे, तब हम दे देंगे। अब सालों साल हमारे चर्च में से चल रहा, सालों साल गुजर गया, आराम करेंगे, अब हमारा रास्ता बंद हो गया। शुक्र है खुदाबंद ने बंद कर दिया। हमें बहुत दुख है इन बातों का, मुझे बहुत दुख है इन बातों का कि जब ऐसे लोगों में ऐसी बदारी नहीं आती, जो संदेश में चलते हैं, संदेश पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन की लिफ्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। उसको लगता है कि पास्टर का दिल नहीं लगता, पास्टर को ये बातें बहुत जरूरी है। ये पास्टर के लिए, ये नहीं है अकेले के लिए। ये वचन में बताया गया रैप्चर उसका होगा, उठाया जाना उसका होगा, जो मांस खाएगा, जो लहू पिएगा। ऐसी बातें आती है दिमाग में से। हमारे चर्च में लोग झगड़े करते, लड़ाइयां करते, बहुत मेहनत करते, दिन रात तैयारी करते रहते, लेकिन किसी की तैयारी ये नहीं है पास्टर साहब प्रभु भोज कब होगा। सलाहें करते पास में आके, पैसा कैसे कमाया जाएगा, हमारे लड़के की शादी कब होगी, समझा रही, होगी, खुदा करेगा तो होगी सारा कुछ। खुदा ने कहीं लिख दिया, वो कोई मिटा नहीं सकता, समझा रही। अगर रास्ते में से कचरा आ जाता तो कचरा निकालना जानता है खुदा, समझा रही। लेकिन सब कुछ खुदा ने लिख दिया। बात ये है, क्या किसी के अंदर कल्पना हुई, क्या कोई रो रहा है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। अरे मैं अपनी लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लड़के को बहुत प्यार करता हूँ, किस चीज के लिए, कमाई करके लिए आगे नहीं हुई। अगर तुम्हारा प्यार है तो क्या तुमने उसको तैयार किया है स्वर्ग के लिए। बीस हजार की गुड्डी निकाल के दे दी, 50,000 की गुड्डी निकाल के, यह काम करने के लिए, ये काम करने के लिए, 10,000, 5,000। लड़का बात मान रहा है बड़ी अच्छे से, चर्च के लिए कह दो किसी भाई को, मान नहीं रहा। सारी बेवकूफी अकल का खट्टा है। पात्र को सामने कुछ ऐसी समझ रखने की बात है जो पात्र को पता ही नहीं है। पीछे कहते उसको क्या पता, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, थोड़ी थोड़ी है चिंता, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूं कि मैं ताड़ू, समझे, मैं रिपचर की बातें बोलूं, मैं न्याय के दिन में जाके नहीं खड़ा होना, मैं तो न्याय करने के लिए बैठना है कि मैंने बोला है, बोला भी ऐसे सानी लगाई, मैंने 0 नंबर की सानी चलाई, समझे, जिसमें से पूरा ब्रीक ब्रीक संता है, मैंने अपने आप को 0 किया और 0 नंबर की छाननी चलाई कि बातें कुछ दिमाग में पड़ जाए, कुछ दिमाग में बातें आ जाए कि रिपचर की ओर बढ़े। थोड़ा दिमाग घुमाइए, आप कहां घूम रहे हो, आपका दिमाग कहां घूम रहा है, आप चल कहां रहे हैं, ये थोड़ा दिमाग घुमाइए। कई बार मेरी गुरपीर के साथ बात हुई, कुछ और बातों को जब रखते, मैंने कहा छोड़ भैया, अपने रिपचर, अपने जीवन का रिपचर देख। सारी उम्र बातों में निकल गई तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। क्या रोए जो चर्च छोड़ के चला गया, उसकी कब्र पे रोए जाके, वो तो मर गया, उसमें तो जीवन नहीं है। क्या उसकी कब्र पे रोए, क्या उसके लिए बैठे बातें करे, रोए, दुआएं करे, और भाई हमारा चर्च में आए, बहन हमारी चर्च में आए, बहन ने चर्च छोड़ा क्यों,
भाई ने जाने छोड़ा है तो मैंने दुआ करूं आज के लिए, रात के बाद इसके लिए। मैं तो बहुत टाइम की बंद किया उसके लिए दुआ करनी, अब उसके लिए दुआ करूंगा जिसको मालूम नहीं है, जिसके जीवन में वचन किया ही नहीं है, उसके लिए दुआ करूंगा। क्यों कारत बातें रखू मैं खुदा के सामने, क्यों खुदा के साथ झगड़ा करूं मैं? 2 साल 3 साल 2 साल 1 साल चलता रहा, अब मुझे अच्छा नहीं लगा पर जाना का, अच्छा नहीं लगता मुझे, जाना चाहिए मुझे, मुझे कठ वाला चर्च चाहिए, मुझे अच्छे साझे वाला चर्च चाहिए, मुझे चाहिए बड़ा अच्छे प्रचार के चाहिए। अरे पहले कहां थे तुम जब खुदा तुम्हें ले गया, जब ऐसी बातों को लेके निकलते यार, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समाज आला निकलता हमारे चर्च में से कोई लोग निकले ऐसे। अरे पास्टर साहब थोड़ा टाइम कम करिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा टाइम कम। अरे भैया तुम टाइम नहीं कम कर पाओगे, मैं चर्च नहीं हूं ना आइए भैया, मैं खुदा का टाइम खुदा को दूंगा, मैं खुदा के वचन को बोलूंगा, लेकिन जो वचन में खड़े हैं वो तो जा रहे हैं खुदा की तरफ, लेकिन जो टाइम बाद दिए गए छोड़ के चले गए वो है कहां? अच्छे तो बहुत लगेंगे आपको, समझे, कपड़े अच्छे लगेंगे, काम भी अच्छे लगेंगे, लोग भी इज्जत करते होंगे, अंदर हड्डियां है, मुर्दे या मुर्दे, जीवन नहीं है इसमें, क्योंकि जीवन में इसने बोला है जो जीवन का वाणी उधार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बोला है जो खाएगा और पिएगा लहू तो वो ही उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हो कि हम उठाए जाएं? थोड़ी आवाज आनी चाहिए, अगर आवाज नहीं है संदेश नहीं है तुम्हारे दिमाग में उतर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हम ही हों? मैं कहता हूं वो मैं हूं, और लोगों में से 500 उठाए जाए तो एक मैं हूं उसमें से, आदमी उठाए जाए उन आठों में से एक मैं हूं, जिसको जीजस ने बोला मैं अंत के दिन में जिंदा उठा लवाऊंगा, मैं कहूंगा वो व्यक्ति मैं हूं। क्या तुम हो कोई है कोई ऐसा जो कहे वो व्यक्ति मैं हूं? नबी ने कहा एक भी उठाया जावे अंत के दिन में, मुझे नहीं पता कितने लोग नरक में जाते हैं, कितने लोग चर्च में बैठते हैं, पर मेरा विश्वास ये है कि ओ उन व्यक्तियों से मैं हूं वो जिसको जीसस ने बोला है मैं अनंत दिन जीवन में जिंदा उठा लवांगा, अंत के दिन में जिंदा उठा लवांगा। खुदाबंद का धन्यवाद हो। आइए हम पौलुस ने जो लिख पढ़ी वो 23 दूसरा क्रौंदियस उसका 11वां अध्याय उसकी 23 में से क्या बोलने लगा पौलुस, मैंने ये बातें प्रभु से पाई है और तुम्हें सौंप दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह फड़वाया गया उसने रोटी ली अते तोड़ी अते चेलियां दित्ती अते आख्या ए मेरी मेरा मेरी देह है मेरा शरीर है। अमें फिर उसने रोटी तो बाद प्याला भी लिया अते शुकर करके दिता अते उन्हें क्या है नवे नेम दा लहू है। अमें लेकिन नवे नेम दा लहू रेप्चर नाल जुड़ता है, ये दे जो हम उस दिन रोटी खा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये रोटी का कोई एक मजाक नहीं है, ये एक कोई भेड़ चाल नहीं है, लेकिन ये एक वचन है जो कि वचन मसीह है। ये प्याला कोई हल्की की बात हल्की सी बात नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कुछ जुड़ा हुआ है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। रिवचर रिवचर क्या जुड़ा है? कई बार नौजवान बच्चे सोचते हैं हम फंस गए, हम कुछ टाइम गुजारेंगे जाएंगे दुनिया में, खुला रास्ता है जहां जाते हैं, ना लेंगे फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लोग जिएंगे, कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे,
लेकिन एक दिन आएगा जब उसका घर सड़ जाएगा, एक दिन आएगा जब गाड़ी सड़ जाएगी, एक दिन आएगा जब उसका पैसा बैंकों में खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा जो कोई उसका रिश्तेदार उसके साथ में नहीं जाएगा, एक दिन आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा पृथ्वी पे, वो व्यक्ति भी साथ साथ उन चीजों के सड़ रहा होगा, उसका आत्मा भी सड़ रहा होगा। आइए एक और है तो पढ़िए, अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, मत्ती की अंजील उसका 10वां अध्याय, क्या आपको सही लिखते मिल रही है, क्या समझ आ रही है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं प्रचार रहा जो बाइबल में से लिखा, नबी ने इन लेखों को कोट किया है, लेकिन मैं कुछ और संदेश को खोलने के लिए और बढ़ा रहा हूँ कुछ बातें कि हमें समझ आए, हमें कुछ और लिखते बाइबल में से लेके प्रचार रहा हूँ, कुछ नया नहीं जोड़ रहा लेकिन है ऐसा ही। 10वें अध्याय की हम पढ़ेंगे 26 आयत में से, 25 आयत में से पढ़ना शुरू कर लिए। एना बहुत है जो चेला अपने गुरु जिहा, हाँ जी, अति चाकर अपने मालिक जिहा होवे, जा उन्ना घर दे मालिक नु बाल जबूर आख्या था। मत्ती 10 और 26 अति पढ़ दो। सो तुसी उन्ना कोलो ना डरो, तुसी उन्ना कोलो ना डरो, क्योंकि कोई चीज लुकी नहीं है। कोई चीज लुकी नहीं है जेडी प्रकट ना कीती जाए, ना कुछ गुप्त है, ना ही कुछ गुप्त है, जो जाने ना जावे, कुछ नहीं गुप्त है, बहाने चल दे या सब कुछ प्रकट हो जाना है, आग ने सारा कुछ प्रकट कर देना है। हमें जी जो कुछ मैं तो अंधेरे में दसा, जो मैं तो अंधेरे में दसा, जीएस ने बोला है अंधेरे में मैंने कुछ बताया, अंधेरा, अंधेरे का मतलब ये नहीं कि रात के दिन में, अंधेरा मतलब कि दुनिया से ये बातें छुप गई, समझे? तुम चानन में चमका दो, मतलब कि प्रकाशन जब खुलेगा तो इसको बता दो लोगों को, अब तुम्हारा काम नहीं कि तुम ना बताओ। जीएस ने चेलों को बताई गुप्त गुप्त बातें, उसने कहा बातें खोल कर बताना जी। जो कुछ कन्ना विच सुनदे हो, मतलब कान विच मतलब समझ आ रही है, एदा चुप करके हौली देने कान विच आके दूसरे बंदे नु भी सुनी नहीं, ते यीशु मसीह दा कोठे ते खड़ खड़ के प्रचार करना। लॉकडाउन विच एक प्रचारक ने डीजे कोठे ते लाले, मैं कहता नहीं क्या सी भावा जिदा तू डीजे लाई बैठा है, एदा दा सरकार तो भी बच के रहना पैंदा है, कानून के दायरे में भी नबी ने कह रहना पैदा है। मैं क्या इतना नहीं सी क्या कोठे के भरावा ने उन्हें कुछ होर क्या सी के गुप्त गल्ला सी गया जिहड़ियां लोग छुप छुप के करते फिरते हैं, ते प्रचार करना उन्हें पूरा ऐन टटके, समझे जी? ना कुछ गुप्त है जो जाने ना जाए, जो कुछ मैं तो नो रेरे विच दसा, तुसी उनु चानन विच आखो, जो तुसी कन्ना विच सुनदे हो कोठियां उत्ते उहदा प्रचार कर दिओ, उन्हां कोलों ना डरो, उन्हां तो ना डरो जिहड़े शरीर नू मारदे आ। इत्थों तक वचन नू लैके तां सानू राजनीतिक हाकमां तो वी डरन नू नहीं कहा गया गा, जिहड़े कहन धर्म छड़ दिओ, वचन छड़ दिओ, वचन छड़ दिओ नहीं तो मार देंगे, जेल सड़ देवांगे, ऐसा कर देंगे, तो ना डरना, वो तो सिर्फ शरीर नू मारनगे, समझ आ रही जी? पर रूह नू नहीं मार सकते, सगो उसे तो डरो जेड़ा देही अते रूह दोनों दा नरक विच इसे करके यीशु मसीह ने बोलिया है लहू लो मांस खाओ तो मैं अंत दिन जिंदा उठा लवांगा, नहीं तो फिर आ हाल होगा, यीशु मसीह खुद देह भी जलाएगा आत्मा भी जलाएगा। जे कि अंदर डर है यीशु मसीह का
ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੜੀ ਲਾਵਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਰੂਪੋ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਕੀਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ੀ ਵਾੜਾ ਚਰਚ, ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ, ਅਗਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਬਚਨ ਲਈ ਨੀ ਚੜਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟ ਹੀ ਆ, ਹਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਮ ਪੇੜ ਦਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕਚਰਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕੇ ਵੀ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ, ਹਮਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਡੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੀਨ ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਅਰੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਸੰਡੇ ਕੇ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਯਹਾਂ, ਇਸਕੋ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਮੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਆ ਆਪ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ?
चाहते हो कि तुम्हारा उठाया जाना हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा उठाया जाना हो? मैं कहता हूँ उन लोगों में से एक मैं होऊंगा जिस दिन मेरा उठाया जाना होगा। क्या तुम तैयार होना चाहते हो? तो फिर हर एक चीज को लत मार दिए, आज उठा दिए अपने आप में ज्यादा अपने कदम उठाइए, वजन की तार बढ़िए, वजन की तार बढ़िए, काम छोड़िए, रिश्तेदार जोड़िए, हर एक चीज से तैयार हो जाइए, खुदा के लिए तैयार करिए अपने आप को, मेरा उठाया जाना हो। कही वो भाई नहीं आता हमें कोई परवाह नहीं, वो बहन नहीं आती हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जिसके बारे में जीजस ने बोला है उसको मैं उठाऊंगा, जो मार जाएगा, जो लो पिएगा, कोई खाए या ना खाए, कोई पिए ना पिए, लेकिन तुम मेरे कोई लोगों का फैसला होना चाहिए कि मैं आऊंगा। वो व्यक्ति अगला से बुरा फैसला करे। Hello.